ये ले गरीब तेरी डबल पेमेंट और दफा हो यहां से। आपने ऐसा क्यों किया मिस्टर जॉन? तुम्हारा परफ्यूम सिर्फ मेरा है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। घंटे पहले तो तुम्हें ये लग रहा था कि जान तुम पर शक कर रहा है, अब ये क्या था? वो शक नहीं कर रहा मुझ पर, मुझे यकीन है। तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो? हाँ, तुमने देखा नहीं, उसने मुझे मिस्टर फाबरे से प्रोटेक्ट किया, और उसने मुझे ये भी कहा कि तुम्हारे परफ्यूम पर सिर्फ मेरा हक है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक झगड़ा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? चली जाओ यहाँ से, जाओ। उन्हें सिर्फ मेरा परफ्यूम पसंद है। Good morning. Good morning. Hey guys. Hi, good morning. John, मैंने नए सिक्योरिटी कैमरास मंगवाए हैं सेफ्टी के लिए। तुम ग्रेट हो, वेरी गुड। ये जल्द से जल्द हो जाए तो अच्छा है, ताकि हमारे बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। Don't worry, उन्होंने एक हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट दे दी है, मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वेरी गुड। कल की शूट की सारी तैयारी हो चुकी है? रेडी, सब कुछ रेडी है। ओके, और कुछ? हाँ कुछ है। जल्दी बताओ, मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ। ओके, जल्दी। जान, मुझे लगा था जेदा से मिली हुई प्रीपेमेंट से हम हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, पर आपने वो पेमेंट्स कल मिस्टर फाबरी को दे दिया, तो हम आगे कैसे मैनेज करेंगे? डेरन, हाँ, तुम्हें पता है ना, मैं चाहे कुछ भी करूँ, मैं हर पल इस कंपनी के बारे में सोचता रहता हूँ। जान, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, जरूर आप करते ही होगे, लेकिन मुझे मैं अपना घर भेज रहा हूँ। डेरन, कौन सा घर? हाँ, वो आपका छोटा सा घर। हाँ, पर फिर भी जान, तुम चिंता मत करो, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। बस एक चीज कर लो कि ना, सुबह सुबह मेरे सामने ऐसी शक्ल लेके मत आया करो, क्योंकि ना तुम्हें ऐसे देखता हूँ ना, तो मेरा पूरा दिन डिप्रेसिंग हो जाता है, मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ। एक काम करो, तुम अभी के लिए चली जाओ, क्योंकि मेरा मन थोड़ा अच्छा है, तो मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ। मैं सबका ध्यान रखूंगी, अब मैं और ज्यादा फोकस्ड हूँ। सी सीनियर प्रेगो, बोंजोर्नो। सी, आइए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ मिस्टर जान। तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? मेरा काम हो गया। हाँ, और भूलना मत, सेलर्स का ध्यान रखो, तूफान मैं झेल लूंगा। ओके, मैं उनका ध्यान रखूंगी। वेरी गुड, सुपर, बहुत अच्छी है चाय। चाय, थैंक गॉड, अच्छी लगी। और तुम सुपर से ऊपर हो, आज पिंक पहना है, काफी अच्छी लग रही हो, ऑनेस्टली ब्यूटीफुल लग रही हो। मैं सुबह ऐसी ही उठी, सो नथिंग। गुड। आपके लिए
मैंने गिफ्ट लाया है, मुझे आपको देना है। मेरे लिए गिफ्ट? कल आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? आपको मेरी वजह से मिस्टर फाबरी से लड़ना पड़ा, बेकार में ही झगड़ा हो गया। देखो अगली बार से ना उस इंसान का नाम मेरे सामने मत लेना, अब वो तुम्हारा नहीं मेरा प्रॉब्लम है। मेरा मतलब है ये सब मेरे परफ्यूम की वजह से हुआ, यही रीजन। क्या कहा? तुम्हारा परफ्यूम, अब वो मेरा परफ्यूम है। ऐसा ही है। उस रात, वो सबसे पहली रात जब हमने एक दूसरे को किस किया था, उस रात से मेरा सब कुछ बदल गया। मैं बस एक बोट था जो तैर रहा था। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती है जो कभी बदली नहीं जा सकती। आई होप मैं जो कह रहा हूं वो तुम समझ पा रही हो। ऑनेस्टली मैं समझ सकती हूँ, पर मैं ये नहीं समझ सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे समझ क्या आ रहा है। गर्मी बढ़ी जा रही है और इससे पहले मैं पागल हो जाऊं, आप प्लीज मेरा गिफ्ट ले लीजिए। आप प्लीज क्या है ये? परफ्यूम है, मैंने बनाया मेरे लिए। फ्लावर्स से? एक्चुअली सिर्फ फूलों से बनाया है। क्या इसका कोई नाम है? बेनाम फूल। बेनाम? ये बहुत ही अनोखा फूल है, जरूर इसका नाम है, और वो है अंडरग्राउंड वायलेट। सच में? ये बहुत यूनिक प्लांट है, बहुत कम देखने में आता है। मुझे ये मिलना किसी मिरेकल से कम नहीं था। ये दिखने में स्ट्रांग है पर अंदर से बहुत मुलायम है। ये अंडरग्राउंड रहकर अपनी पूरी जिंदगी बिता लेता है, पर सिर्फ स्प्रिंग के सीजन में। अगर ये चाहे तो खिल सकता है। और वैसे तो ये खिलता भी अंडरग्राउंड ही है, ताकि इसकी खुशबू किसी और प्लांट को ना मिले। ये बहुत यूनिक प्लांट है मिस्टर चांद। मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। तुमने ये फ्लावर खुद चूज किया? हाँ। और क्या तुमने इसे ट्राई किया? हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए खिला था? हाँ हाँ लगता है। मिस्टर जान, मुझे समझ नहीं आ रहा। मिस्टर जान, मुझे समझ नहीं आ रहा, उस फाइल में क्या लिखा था? मिस्टर जान, वो लोग कैमराज अरेंज कर रहे हैं और ये कैमराज सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। कैमराज सच में बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर कहीं कैमरा है वहाँ कभी सीक्रेट्स नहीं रहते, पर नहीं, यहाँ कोई कैमरा नहीं है, यहाँ कोई कैमरा नहीं हो सकता। उसने दुनिया को पहली बार उसका रंग दिखाया और उसे देख मेरी आंखें एक बेनाम फूल जैसी चमक उठी। माय डार्लिंग, मुझे याद है वो वक्त जब आपने मुझे कहा था कि मैं एक पोएट हूं, तो अपनी खुशबू से आज मैंने एक पोएम लिखी है। और मैं ये हर साल सिर्फ आपके लिए लिखूंगी। बिल्कुल उस खुश पंछी की तरह जो इंसान आपके जैसा हो, जिस पंछी को उड़ान भरने की आशा मिलती है। आपने मुझ में वो टैलेंट देखा और उसे परखा, मुझे खुशी है। मैं लिखती जाऊंगी क्योंकि प्यार की कोई भाषा नहीं होती।
मिस डेरन, हमें पहले ही यहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज लगवा देने चाहिए थे। वैसे तो पहले भी यहाँ कैमरास हुआ करते थे, लेकिन फिर मिस्टर अजीज ने कहा कि इसकी वजह से एम्प्लॉयज डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो एक बहुत अच्छे आदमी थे और सभी लोग जो यहाँ काम करते हैं उसी अच्छे आदमी के कंपनी में, वो ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं? ये कितनी अच्छी जगह है, तुम एक एजेंसी में काम कर रहे हो, वो जासूस तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जीजी, तुम अभी किस पर चिल्ला रहे हो? हाँ मिस डेरन, समझने की कोशिश कीजिए, मैं ऐसे जोर जोर से चिल्लाकर उस धोखेबाज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उन सभी पर चिल्ला रहा हूँ जो यहाँ काम करने के लायक नहीं है। उनको पता है वो कौन है, क्योंकि वो रिएक्ट करता ना ऐसे छुपके नहीं। जीजी, तुम लोगों पे पागलों जैसे चिल्ला रहे हो, मैंने देखा तुम्हें, अच्छे से नोटिस किया है। तुम तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल में रखो, कितने सालों से ये चीज मैं तुम्हें समझा रही हूँ। सही बात है। नहीं, आप मुझे सिखा नहीं पाई। अच्छा ठीक है, सच है सच। मिस डेरन, उस रात जब हम लोग कैंप में थे, उस दिन जो गार्ड ड्यूटी पे था वो यहाँ है। अच्छा, उसे मिस्टर जान की केबिन में ले जाओ, मैं आ रही हूँ। yes. अब बिल्कुल मत चिल्लाना। okay. चिल्लाना मत, जैसे तुम कभी चिल्लाती ही नहीं। फैरदे, अच्छे से सोचो, याद करने की कोशिश करो। उस दिन जब हम कैंप पर गए थे तो यहाँ कोई आया था? कोई भी, मेरा मतलब ड्राइवर हो सकता है, कुरियर वाला हो सकता है, कोई भी। प्लीज याद करने की कोशिश करो, प्लीज। हाँ, कोई तो आया था मिस्टर जान। कौन? मिस आइलिन आई। हाँ, मुझे तो बिल्कुल सरप्राइज फील नहीं हो रहा। मिस्टर फर्दी, आप बिल्डिंग के अंदर उस शख्स को कैसे ला सकते हो जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसी सिक्योरिटी का काम है, बताइए। उन्होंने कहा कि वो अपना पर्सनल सामान वापस लेने आई हैं, और उन्होंने बताया कि आपने उन्हें परमिशन दी है, तो मैं कैसे रोक सकता हूं? और आपने यकीन कर लिया? क्या बात है, बहुत खूब, ऐसे ही काम करो। मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी मिस्टर। सबसे माफ़ी मांगते रहो, मुझसे माफ़ी मांगो, इनसे माफ़ी मांगो, सबसे माफ़ी मांगो, है ना? पहले काम खराब करो और फिर सबसे माफ़ी मांगते रहो, और क्या काम है आपके पास? ओके डेरन, शांत हो जाओ। हाँ, हम सबको पता है एलिन कैसी है, कभी कभार वो बहुत खतरनाक बन जाती है। काम डाउन। फैरदे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, और खास करके आइलिन के साथ। हा? ये बात अच्छे से समझ लीजिए, हम चाहते हैं कि आप इस बिल्डिंग का ध्यान रखें। हाँ मिस्टर शान, मैं माफी मांगता हूँ, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। पर कैंपेन के बारे में हमने ऑफिस में नहीं, कैंपेन में आइडियाज डिस्कस किए थे। माय डियर सनम, हम यहाँ पे एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्या तुम प्लीज मुझे और मिस्टर जान को अकेला छोड़ दोगी? पर सनम सच कह रही है डेरन। हाँ सनम, तुम सही हो। जब हम यहाँ थे हमारे पास कोई आइडियाज नहीं थे। हम लोग उस दिन कैंपिंग के लिए गए, तब वो यहाँ से क्या ले जाती? ना स्लोगन रेडी था, ना विजुअल रेडी था, तो आइलिन यहाँ आकर क्या चुराती? उसने चोरी नहीं की, क्योंकि चोरी करने जैसा कुछ था ही नहीं यहाँ हमारे पास, तो हमें जल्द से जल्द जासूस को ढूंढना होगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ कोई है जो आइलैंड के लिए काम करता है? ऐसा कह तो रहे हैं। वो हमें निकाल देंगे, मुझे यकीन है वो लोग हमें जॉब से निकाल देंगे। यहाँ एक जासूस है। यहाँ आओ तुम, जरा गौर से देखो इसे, ये एक एजेंट हो सकती है। नहीं, मैं एजेंट नहीं हूँ जीजी। अरे अपना मुंह बंद रखो, मैं बस एग्जांपल दे रहा था। तुम्हें पता है वो लोग अब क्या करेंगे? वो लोग यहाँ एक ट्रक लाएंगे, उस ट्रक को खोलेंगे और उसमें हम सबको भर देंगे, और दरवाजा लगाकर हमारे पीठ पर डंडे मारेंगे, बहुत पीटेंगे, और हम सबको जॉब से निकाल देंगे। मेरी बात याद रखना, क्योंकि ये सच होने वाला है। जीजी शांत हो जाओ। नहीं, क्योंकि अगर मैं उनकी जगह होता तो यही करता ना। ये सब क्या है? जासूसी, चोरी, डराना, धमकाना, ये सब माफिया नहीं तो और क्या है? जी जी, तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया मुझे, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जे जे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ जे जे, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, है। बताओ फिर मैं किसे ब्लेम करूंगा? मेरे गांव के चाचा को, या उस चाचा को जो लंदन में खाना बनाते हैं? किसे ब्लेम करूंगा मैं? बताइए, सब बताइए, किसे ब्लेम करूं? क्या कह रहे हो जे जे? आइलिन का खिलौना। क्या? और नहीं तो क्या, तुम पहले हमेशा आइलिन के साथ रहती थी, बहुत उठना बैठना था ना तुम्हारा उसके साथ। बताओ क्या हुआ, बताओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या जीजे? तुम भी तो वो जासूस हो सकती हो, मुझे अब तुम पर शक हो रहा है। शायद उसने एक चुड़ैल की तरह तुम्हें अपने काले जाल में फंसाया है। तुम क्या कह रहे हो? तुम उसके काले जाल में फंस गई हो, ये सच है। तुम पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। आइलिन हमेशा बहुत मेकअप करके आती थी ताकि कोई उसका असली रंग पहचान ना पाए, पर देखो तुम क्या कर रही हो, वही कर रही हो जो आइलिन करती थी, बहुत सारा मेकअप। तुम हो सकती हो जासूस। चुप रहो, जब मैं बात कर रहा हूँ कोई बीच में नहीं आएगा। खुद को संभालो जे जे। पर तुम देखना, सब देखना, अब क्या मेरा सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, तुम जरूर पकड़े जाओगे और तुम्हारा ये सच सबके सामने आ जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड सनम, अगर जासूस ने यहाँ पहले से ही कैमरास लगा दिए हो तो। जे जे, आखिर में तुमने कुछ दिमाग वाली बात की, बराबर है। अभी फिर से शुरू मत हो जाओ, हम बहुत साधारण बर्ताव करेंगे, जैसे हम नॉर्मल दिन रोज करते हैं, ऐसे जताओ कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, ताकि उसे हम पर शक न हो जाए, समझ रहे हो ना?
शांति से वैसे ही नाटक करो, एकदम नेचुरल एक्टिंग करो, किलर परफॉर्मेंस दो, नेचुरल एक्टिंग करो, नेचुरल। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कैसी हो सरेम, क्या कर रही हो? बहुत दिनों बाद देखा, ऐसे नॉर्मल रूटीन की तरह रहो। हाँ नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकती। अब हम क्या करेंगे? कैमरा ढूंढते हैं ना। हाँ पर हम वो कैसे ढूंढेंगे? चुपचाप ढूंढेंगे, जैसे हमको कुछ पता ही नहीं। हाँ पर वो एक सीक्रेट कैमरा है जो उन्होंने कहीं छुपा कर रखा होगा। ठीक है ठीक है, पर आज हमारा यही मिशन है। हम वो जगह देखेंगे, हम आराम से देखेंगे। हाँ बिल्कुल आराम से देखेंगे। नेचुरल एक्टिंग करो। मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, पर आइंदा मुझसे कभी झूठ मत कहना, ठीक है? मैं सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हूं। हाँ बोलो एलन। एलन मैं तुमसे मिल नहीं सकती, क्या चल रहा है? तुम आजकल तो मुझे दिखाई ही नहीं देते। देखो मैं क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे मेरे भाई का ट्रस्ट फिर से गेन करना है, प्लीज मुझे तंग मत करो। एमरे तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मैं वहाँ आती हूँ, हमें बात करनी चाहिए। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे नहीं मिलना है। यहाँ आने की तकलीफ मत उठाओ, अपने काम से काम रखो। कब बताओगे एमरे? नहीं ऐसे तो कैमरा नहीं मिलेगा, ऐसे कैमरा नहीं मिलेगा। गाइस सुनो, हमें एक जासूस के दिमाग से सोचना होगा। इमेजिन करो जैसे कि तुम एक जासूस हो और सोचो। ये तुम क्या कर रही हो सनम? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मुझे ऐसा कुछ मत कहो, मैं जासूस नहीं हूँ, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं। नहीं जीजी एक सेकेंड, हमारे दिमाग में कैंपेन का आइडिया कब आया था? जब हम सब लोग जंगल में थे, जब हम सब एक साथ थे। हाँ बिल्कुल। फिर हमने ऑफिस में आकर इसके बारे में कब डिस्कस किया था? वैसे जान के कमरे में। कुछ भी नहीं है क्या? तुमने वो पॉट्स के नीचे चेक किया जेजे? मिस डेरिन मुझे नहीं लगता कैमरा फ्लावर पॉट के नीचे होगा। हो सकता है कि उन्होंने कहीं पर छुपाया हो, तुम ध्यान से देखो। यहाँ पर एक गोल सी चीज थी, एक बर्फ का स्पीयर। हाँ हाँ मुझे भी लग रहा है कि वहाँ कुछ था, कुछ गोल जैसा। आगे बोलो। क्या एक स्नो स्पीयर? वो उस दिन हम यहाँ काम कर रहे थे और आपने एक चीज मिस डेरिन को कहीं रखने के लिए दी थी। हाँ वहाँ वैसा ही कुछ था, क्या हुआ उसका डेरिन? हाँ आपको पसंद नहीं था तो मैंने वो ले लिया और कहीं ऑफिस में रख दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। अब वो कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है बताइए। मैं सोच रही हूँ मैं वो कहाँ लेकर गई। हाँ याद आया, वो मेरे ही केबिन में है। अरे बाप रे, ये आपने क्या कर दिया मिस डेरिन? चलिए चलिए वहाँ पर चलिए, पहले केबिन में है। कमाल कर दिए। कहाँ है? मैंने उसे यहीं कहीं रखा था। क्या तुम श्योर हो? हाँ मैं श्योर तो हूँ, पर फिर भी मुझे याद नहीं। हाँ, उस पिंक बॉक्स के ऊपर रखा था, मैंने भी देखा था। तो अब वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, I have no idea, पता नहीं वो कहाँ है। मिस डेरिन ये कैसे हो सकता है, आपको याद नहीं आपने कहाँ रखा? मुझे नहीं पता। ये गलत बात है, आपकी बुद्धि, आपका टैलेंट, इन सबको क्या हुआ? बाहर निकलो। जे जे मुझे माफ कर दो, पर तुम लोग सब मुझे हर्ट कर रहे हो। बाहर निकलो, निकलो। अब हम क्या करें? मुझे लगता है हम सही रास्ते पर हैं। क्या आपको पूरा यकीन है कि उस स्नो फियर में वो कैमरा था? Are you guys sure? ऐसा लगता तो है। किसी ने वो ले लिया, पर किसने? ये कौन हो सकता है, एलन का जासूस? हमने यहाँ पर सब बातें की थी, हमने यहाँ सब कुछ डिस्कस किया था, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। Emre, I hope it's not you this time. Mr. Emre? Sanem? मैं यहाँ डेरिन का वेट कर रहा हूँ। किसने किया होगा ऐसा? तुम खुद को रोक नहीं सकती। हाँ मैं एक ऑर्डर करना चाहूंगी, मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगी। मुझे ये तुम्हारा नाटक पसंद नहीं है, पर इस बार मैं तुमसे सहमत हूँ। जा और जाकर कह दो पैकेट ब्रेड,
मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लगता है मैंने कुछ देखा है। मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर वो शायद मिस डेरेन के रूम में आए थे और उन्होंने वो स्नो स्पीयर पकड़ा था और शायद वो ले गए अपने साथ, ऐसा ही कुछ। तो टमेटो सॉस? तो कुछ नहीं, मुझे ये बात जाकर मिस्टर जॉन को बतानी होगी। हाँ बिल्कुल। हाँ पर अगर मुझसे गलती हो गई तो, अगर वो जासूस नहीं हुए तो फिर मैं क्या करूंगी? पता नहीं। ठीक है आप लिख लीजिए, ओके मैं आपको बाद में पे करती हूँ। ठीक है, ठीक है मिस्टर। मुराद ये आर्काइव्स में डालना है, पर अच्छे से रखना। मिस डेरेन, मुझे आपकी परमिशन चाहिए, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। ऐसा कौन सा काम है तुम्हें सनम? इतना कौन सा बड़ा काम है कि तुम यहाँ का काम छोड़कर वहाँ पर भाग रही हो, बताओ तो मुझे। मैं बाहर जाकर कैमरा कार्ड्स खरीदूंगी, ये काम की ही तो चीज है। ठीक है फिर तुम जा सकती हो, पर पब्लिशर के पास भी जाना है और हमारा पोस्टर चेक कर लेना। मुझे आखिरी मिनट पर प्रॉब्लम नहीं चाहिए। पर मुझे, अगर तुम कोऑर्डिनेटर बनी हो तो तुम्हें सब कुछ कोऑर्डिनेट करना होगा। हाँ सिर्फ मैं कोऑर्डिनेटर हूँ ये कहने से कोऑर्डिनेटर नहीं बन जाती। एक कोऑर्डिनेटर की बहुत जिम्मेदारियाँ होती है, जैसे कि अगर तुमने पोस्टर्स को चेक नहीं किया या फिर लास्ट मोमेंट पर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम क्या करोगी, बताओ मुझे। ऐसा नहीं करूँगी। हाँ पर फिर भी अगर तुम ये काम करना नहीं चाहती तो बोल दो, मैं कोऑर्डिनेटर नहीं बन सकती, तुम्हारी मर्जी। नहीं नहीं ऐसा नहीं करूँगी। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझसे छुप रहे हो? ओके हाँ, इधर आओ। मैं तुम्हें कुछ काम दूंगी। हाँ। तुम दोनों साथ में प्रिंट हाउस जाओगे और पोस्टर्स चेक करोगे, मुझे एक भी गलती नहीं चाहिए, हमें बहुत काम करने हैं, सब परफेक्ट होगा। ठीक है ठीक है, सब परफेक्ट होगा। मिस डेरेन माफी चाहता हूँ, मुझे पैनिक अटैक आया था। मुझे वो याद मत दिलाओ, मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ। अब जाओ और दिमाग से काम करो, अपना काम करो और वापस आओ। यस प्लीज आइएगा, गुड बाय, जरूर आइएगा। मैं भी कभी तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाऊं क्या? नींबू पानी, सोडा, पानी, सैंडविच, बिस्कुट, क्या खाना चाहती हो तुम बताओ? मैं कभी आए दिन। हाँ हाँ यही है, ये मैं भी कभी। ये आपके लिए मिसेज आए दिन। हाँ किसने किसने भेजे फूल? एक नोट लिखा है उस पे। अरे कौन है बताओ बताओ, देखने तो दो किसने भेजे हैं फूल, देखते हैं नोट में किसने भेजे हैं फूल। मेरी बेबी कभी, मेरी प्यारी मेवी के बे, मैंने तुम्हारा दिल कैसे तोड़ दिया, मुझे माफ कर दो। मैं घर के काम करके थक गया था, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो, तुम मेरे दिल की धड़कन हो मेवी के बे। सेंडर कौन है? नियदाई दिन। ओह ये तो मैं ही हूँ, जिसने भेजा वो मैं ही हूँ। तुम्हें अच्छा लगा? उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। निकल जाओ। चलो मैं जाता हूँ। क्या तुमने माफ कर दिया मेवी के बे? तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ उसने नहीं किया, नहीं किया मेवी के बे। लगता है माफ नहीं किया। रेसिडेंट गुड मॉर्निंग। तुमने काम किया, इनविटेशन अरेंज किए? हाँ कर लिए, कल रात को ही। मैंने प्रिंट भी करा ली है, आप एक बार देख लीजिए बस, देखिए आपको जरूर पसंद आएगा। बनाए तो बहुत अच्छे हैं, तुम मुझे समझते हो। आंटी आप इतने आहिस्ते आहिस्ते क्यों बात कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैंने निहाद से ना बात करने की कसम खाई है इसलिए। क्या बोल रही, सुनाई नहीं दे रहा मुझे, जोर से बोलिए। नहीं सनीम तुम ठीक से नहीं पकड़ रही हो, इसका एंगल बदल गया है और मैं भीग रहा हूँ। तो हाँ तुम क्या कह रही थी, मिस्टर रेमरा ने कैमरा लिया वो स्नो स्फीयर? हाँ हाँ मैं उनसे अभी बात करूंगी। नहीं तुम उनसे बात नहीं करोगी, तुम मिस्टर जान से बात करोगी। तुम मिस्टर जान के पास जाओ और उनको सब कुछ बता दो जो तुम जानती हो, हम दोनों साथ में एक्शन करेंगे, वो ऐसा ही होना चाहिए, समझी? हाँ बोलो आए। कल हमारे यहाँ एक नई लाइब्रेरी की ओपनिंग है और तुम वहाँ पर आ रही हो, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, समझ गए? जरूर जरूर मैं आऊँगा। सनीम सनीम बारिश हो रही है, मैं भीग रहा हूँ। मैं सिर्फ आऊंगा ही नहीं पर मैं बुक्स भी डोनेट कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारी रोमांटिक बुक्स हैं, मैं वो सब तुम्हें दे दूंगा, अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है। और टर्स तुम्हें याद है ना, वैसी ही टाइप की किताबें हैं। तुम बहुत ही स्वीट हो, तुम्हें पता है ना।
हाँ जी जी, तुम सही कह रहे हो। मुझे मिस्टर एमरे के पास नहीं जाना चाहिए, पहले मिस्टर जॉन से बात करनी चाहिए। सनेम, मैं भीग रहा हूँ, जल्दी आओ फिर। अरे रुको तो। अच्छा है, काफी अच्छा है, वो 2 लाख लीरास का है, राइट? बढ़िया, हाँ हाँ बढ़िया, मुझे बताने के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, मैं आके डॉक्यूमेंट साइन कर लूंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स अ लॉट। हाँ मिस्टर इब्राहिम, बोलिए ना। नहीं, ये प्राइस पॉसिबल नहीं है, ना पॉसिबल ही नहीं है मिस्टर इब्राहिम, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। हाँ, ठीक है, मुझे जल्दी बेचना है, पर इतने कम प्राइस में बिल्कुल नहीं। वजह तो काफी अच्छी है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आप समझ सकते हैं ना। हाँ ठीक है, शुक्रिया, गुड डे। हाय, वेलकम। थैंक यू, पर हमें लगता है कि तुम नहीं, नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए, हाउ आर यू जेदा? अच्छी हूँ। मैं भी ठीक हूँ, आइए प्लीज। आप क्या लेंगे, चाय, कॉफी, हर्बल टी? नो थैंक्स, फिलहाल तो नहीं। ओके, कैसा चल रहा है जान, प्रिपरेशन कैसी चल रही है, बताओगे मुझे? मैं बस कॉल करने ही वाला था डिटेल्स देने के लिए, और मुझे खुशी है बताने में कि शूटिंग के लिए स्टूडियो रेडी है। तुम क्या करोगे? मैं शूट करूंगा। सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। मैंने इसके बारे में सोचा था, पर पूछने के लिए हेजिटेट कर रही थी। वो क्या है ना, कंपस स्पॉट के लिए मेरे दिल में एक अलग ही जगह है। वैसे ऐसा कोई काम है जो हम फिक्री हरिका कंपनी के लिए कर सकते हैं? अगर आप चाहें तो पूरी अमाउंट भी दे सकते हैं। आप बहुत काइंड है, बहुत बहुत शुक्रिया, पर फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। आप सोचिए, ये पार्टनरशिप काफी लंबी चलने वाली है, हम साथ में मिलकर अच्छा काम करेंगे, मुझे यकीन है। मैं समझ सकता हूँ, शुक्रिया, पर सच में मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है। ओ जान, उस जासूस की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, कुछ पता चला क्या, किसने किया था? अभी तो नहीं, पर जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत अच्छी खबर है। हाँ, आई नो। ओके, तो अब हम चलते हैं, तुम्हारा वक्त जाया नहीं करेंगे, हमें गुड न्यूज मिल गई। ये काफी क्विक मिल सकती है, मिलते हैं। सी यू, टेक केयर। जान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यस प्लीज। मुझे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की जरूरत है, जब आप कैटलॉग बना रहे होंगे, क्या आप मेरी भी कुछ तस्वीरें ले सकते हैं, अगर आपको एतराज ना हो? जेदा, मैं सच में ये काम नहीं करता, और ना ही मैंने कभी किया है। तो मुझे आप एक एक्सेप्शन बना लीजिए, मुझे अक्सर कैमरे के सामने बहुत डिस्टर्ब लगता है, आप रहेंगे तो रिलैक्स फील करूंगी। जान, इन्हें रिजेक्ट मत करो ना, प्लीज इनके लिए हाँ कर दो, फोटोज खिंचवा दो प्लीज। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, तो तुम तैयार रहना। ओके ओके, सी यू। सी यू। वैसे आपका परफ्यूम अच्छा है काफी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कौन सा ब्रांड है? कोई ब्रांड नहीं है, स्पेशली बनाया है। आपको सूट करता है। थैंक यू। ओके, बाय बाय। फोन पे कौन था? कौन था? एक दोस्त था, क्यों, क्या हुआ? हाँ, बहुत ज्यादा खुश दिख रही थी तुम। खुश? हाँ, मैं हंस रही थी, मैं काफी पॉजिटिव इंसान हूँ भाई, उसमें गलत क्या है भाई, मैं तो बस ऐसे ही हंस रही। आयहन, भूलो मत, तुम मेरी बहन हो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, कहीं तुम जल्दबाजी तो नहीं कर रही हो ना? नहीं, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रही, मैं बस धीरे धीरे ये रिलेशन को जीना चाहती हूँ, और एक स्ट्रॉन्ग बेस भी बनाना चाहती हूँ, तो आप फिक्र मत करो। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। आप दुनिया के बेस्ट भाई हो, आप मेरे किंग हो। क्या बात है, भाई बहन में इतना प्यार देखकर आंखें भर आई मेरी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आयान इतनी बड़ी हो गई है, याद है बचपन में कितनी नाक बहती थी इसकी, और पूरा टाइम हमारे सामने बक 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 करती रहती थी। मुझे अब चलना चाहिए, मुझे कुछ प्रिंट करवाना है। ठीक है, जाओ जाके अपना काम पूरा करो, आयान को तो कसम से झूठ बोलना भी नहीं आता ढंग से। मुझो, हाँ, तुम्हें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भाई, मैं भी तुम्हारा फैमिली मेंबर ही हूँ, हम बचपन के दोस्त हैं ना,
आयहान की मुझे भी बहुत फिक्र है। मैं भी आयहान का भला ही चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ बुरा हो, और मुझे आयहान के अफेयर की फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र है तुम्हारे अफेयर को लेकर, समझे तुम? मेरे? हाँ तुम्हारे। तुम लैला को इतने सालों से प्यार करते हो, लेकिन आज तक तुमने उसे अपनी दिल की बात नहीं कही। बस तुम दिन भर यहाँ मटन काटते रहते हो, और वहाँ किसी ने तुम्हारा काट लिया है। मतलब कोई और लैला को पटाकर ले जाएगा? सोचो इस बारे में जरा। लैला के पीछे बहुत लोग पड़े हैं। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो यहाँ पर ऐसी मटन काटते रह जाओगे, और वहाँ उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, और तुम्हें मामा कहकर बुलाएंगे, और तुम क्या करोगे फिर? कुछ नहीं। मेरी बात मानो, उसके पास जाओ और जाके कह दो, वरना कोई पैसे वाला उसे उड़ा ले जाएगा, और तुम उसकी शादी के केटरिंग में मीट बॉल बनाते रह जाओगे। लेकिन अफसोस तो ये है कि वो वीगन है, वो मीट बॉल भी नहीं खाएगी। फ्री एडवाइस दे रहा हूँ, समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है? देखो मुझे सुबह से कोई मिला नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर आके सारी भड़ास निकाल दिया। प्लीज तुम बुरा मत मानो, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ ना, माफ कर दो प्लीज। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता है? मुझे सब कुछ पता है। मुझे, मैं उसे बचपन से प्यार करता हूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई मेरी कहने की। मुझे एक्सप्रेस करना आता है, बस मैं सही मौके की तलाश में हूँ, समझे तुम? तुम सारा देर शाने मत बनो। तुम्हें पता है रोज मेरे दिल पे क्या बीतती है? नहीं समझोगे तुम। कोई बात नहीं भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस मैकी बे, मैं लाइब्रेरी के लिए बुक लाया हूँ, मैं इन्हें कहाँ रखूँ? वो टीवी वाले टेबल के नीचे रख दो प्लीज। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो मिस मैकी बे। जान कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ थैंक यू। मैंने तुम्हें लाइब्रेरी के बारे में बताने के लिए फोन किया था। वही हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, तुम जानते हो ना, बस उसी के बारे में बताना था तुम्हें। हाँ, हाँ। हम सब पड़ोसियों ने मिलकर एसोसिएशन बनाया है, बुक्स डोनेट करेंगे। क्या बात है, वेरी गुड, सुनकर खुशी हुई। मुझे भी। जान तुम्हें लगता है ये आइडिया चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, बहुत अच्छा आइडिया है ये। हमारी लाइब्रेरी और बड़ी हो जाएगी। जान मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना था, ये मेरा पहला सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, हमारे पड़ोसियों के लिए अच्छा रहेगा, और इसी खुशी में हमने कल शाम को एक पार्टी रखी है, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी आओ। अगर तुम आओगे ना तो पार्टी में ना चार चांद लग जाएंगे। जरूर मैं आऊँगा, इनवाइट करने के लिए थैंक यू, मिलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी वेट करूंगी, ठीक है? तो फिर मिलते हैं, बाय। हाँ बिल्कुल, गुड बाय। बेस्ट, अच्छे से बात करना। मिस्टर जान, मुझे आपसे जरूरी बात। सॉरी पर अगर अर्जेंट नहीं है तो बाद में बात करें, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे पहले ही कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत मुश्किल हो रही है। कैटलॉग का बहुत सारा काम बाकी है, बिलबोर्ड्स भी रेडी करना है, शूटिंग के लिए मॉडल्स को चुनना है, बहुत सारी डिटेल्स अभी भी बाकी है, तो अगर ये अर्जेंट नहीं तो हम बाद में बात करें प्लीज। पर जान मुझे, ऊपर से जैदा भी आई थी आज यहाँ, पता? जैदा? वो कहाँ आई थी? यहाँ एजेंसी में, और कहाँ आएगी वो सनम? ऐसे कैसे, क्या कहा उसने, क्या कहा उसने? जैदा ने क्या कहा? जैदा ने हमें काम दिया है, हम पर भरोसा किया है, वो एक प्रोफेशनल औरत है, जॉब देने के बाद वो फॉलो अप करने आई थी, वो पेमेंट भी टाइम पर करती है, वो सच में काफी अच्छी औरत है। पर तुम्हें पता है मैंने क्या नोटिस किया? कि हमारे पास प्रेजेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे बाप रे, यानी कि जान आप उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, है ना? वैसे आप ऐसा कर सकते हैं, आप उनमें इंटरेस्ट दिखाओ, फ्रेंडशिप बढ़ाओ, काम करते करते, है ना? हाँ, और वैसे उसे मेरा परफ्यूम बहुत पसंद आया। आपका परफ्यूम? हाँ हाँ। क्या उसने आपको सूंघा? नहीं, जानबूझकर नहीं, पर जब वो मुझे बाय कह रही थी तो बाय करते वक्त उसने जब किस किया तो शायद उसी वक्त उसे स्मेल आ गई होगी। उसने किस किया?
आपको किस किया? हाँ, गालों पर। जब किसी को बाय कहते तो हम किस करते ना, बस वही वैसी वाली किस। हाँ, मैंने कब कहा लिप्स पर? वही वही करीब आई होगी और उसने सूंघा होगा, है ना? वही करीब आई होगी। पर तुमने बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया, उस बात की खुशी मनाओ। मैंने ऐसा परफ्यूम बनाया ही क्यों? उसे सच में बहुत अच्छा लगा, पता है तुम्हें? बट वो मुझसे दोस्ती करना चाहती, सो दैट्स द सीन। अगर ऐसा है तो फिर आप दोनों दोस्त क्यों नहीं बन जाते? वो आपको चाहती है, आप उसे चाहते हैं। मियां बीबी राजी तो क्या करेगा कर? सनम, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं। अगर आप में हिम्मत है तो उसे बता क्यों नहीं देते कि आप दोस्त बनने के लिए तैयार है? जैसे कि सनम मेरी दोस्त है, डेरन मेरी दोस्त है, गामजी मेरी दोस्त है। चलिए ना, हम सब लोग मिलकर दोस्ती दोस्ती खेलते हैं। हा? वो मेरी नॉर्मल दोस्त है। फिर मैं कौन से टाइप की दोस्त हूँ? सनम, तुम स्पेशल हो। स्पेशल? स्पेशल और खूबसूरत भी। खूबसूरत एज अ फ्रेंड? हाँ, एज अ फ्रेंड, और क्या? वरना और क्या? जॉन, देखो तुम्हारी दोस्त डेरन आई है। हाँ? क्या हुआ डेरन? क्या हुआ जॉन? एक गड़बड़ हो गई है। हमने जो मेल मॉडल को चूज किया था काम करने के लिए, वो नहीं आ रहा। मैंने कास्ट एजेंसी में फिर से चेक किया पर कोई नहीं मिला, तो अब क्या करें? उस्मान को कॉल करो, वो आ सकता है। ब्रावो सनम, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुम उस्मान को कॉल करो प्लीज, और उसे कहना कि मैंने फेवर मांगा है। ओके, करती हूँ। इसने मेरा कंसंट्रेशन पूरी तरीके से खराब कर दिया। इट्स गॉन नाउ। अब तुम्हें मुझसे क्या कहना है? बोलो क्या कहना है, अब मैं रेडी हूँ। आई एम ऑल इयर्स, बोलो। मुझे कॉल लेना होगा, एक मिनट, मैं देखता हूँ कौन है। कौन है? ओके, हेलो। हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, और कम नहीं हो सकता। मैं मेरा घर उस प्राइस में नहीं बेचूंगा। अगर वो सीरियस है तो हम मिल जरूर सकते हैं। हाँ ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर दो। बाय जान, आप आपका घर बेच रहे हैं या मैंने घर सुना? मैं अपना घर बेच रहा हूँ, माउंटेन वाला। फैब्रिक की वजह से? हाँ। जान, पर वो घर आपको बहुत पसंद था ना? सनम, तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या तुम समझ रही हो? हाँ, मैं कभी उस फैब्रिक को तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगा। मेरे ब्रोकर का कॉल है। हाँ बोलो, क्या हुआ? नहीं नहीं, इतने प्राइस में नहीं। ठीक है, मिलते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। क्या हुआ सनम, तुमने कुछ कहा? मैं कुछ नहीं कह पाई। क्यों? जान अपना घर बेच रहे हैं मिस्टर फैब्रिक की वजह से, और उन्हें वो घर बहुत पसंद है। इतनी मुश्किल समय में मैं उन्हें और निराश नहीं करना चाहती थी, पर मैंने सोच लिया है कि मैं मिस्टर एमरे से बात करूंगी और सब कुछ रिवील करूंगी। ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है, पर मुझे जाना होगा। अगर उन्होंने पूछा तो आंसर रेडी रखना चाहिए। नो प्रॉब्लम, सब संभाल लूंगा। ओह, मेरा छाता। आपका दिन भी बहुत शुभ जाए। आपका भी दिन अच्छा जाए। हाँ बोलो, मैं ही बात कर रहा हूं। कैटलॉग शूटिंग के लिए कॉल कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, पर मेरे पास आजकल टाइम नहीं है। हाँ सॉरी, नहीं कर पाऊंगा मैं। हे, क्या कर रहे हो? हाँ बोलो, हाँ बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू थैंक यू। हाँ मैं आऊंगा। क्या हुआ, कौन था? कैटलॉग शूट के लिए बुलाया मुझे। ये मुझे लगा ही था भाई। और वो आखिर किसे कॉल करते? देखिए, इससे आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, क्यों ना हम आज सेलिब्रेट करें? नहीं आया, नहीं, ये सब चीजें मेरे लिए नहीं बनी है। आप कहना क्या चाहते हो भाई? अरे देखो तो, हर जगह यूजलेस लड़के भरे पड़े हैं, और जरा खुद को देखो, आप तो उनसे कई ज्यादा हैंडसम हो। अब देखना, आप कहीं ज्यादा आगे जाओगे।
बस हो गया, मुझे जरा बिगाड़ो मत। बिगाड़ रही हूँ? नहीं ऐसा तो नहीं है, जरा अपने आप को देखो कितने हैंडसम हो। सनम, मिस्टर एमरे, हम बात कर सकते हैं? हाँ। हाँ बोलो सनम, कंपनी में कोई प्रॉब्लम होगी क्या? यहाँ पर आने की वजह जान सकता हूँ? मुझे पता है आपने वो स्नोस्पियर ले लिया है। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? वही स्नोस्पियर जिसमें एक कैमरा लगा था, पहले वो मिस्टर जॉन के कमरे में था, उसके बाद मिस्टर डेरिंग के कमरे में हमने रखवाया और वो स्नोस्पियर आपने उठाया। ठीक है, लेकिन उसका मेरे साथ क्या नाता है? मिस्टर एमरे, मुझे आप मिस्टर डेरिंग के कमरे में दिखे थे और आप उस स्नोस्पियर के साथ खेल रहे थे और तब से वो गायब हो गया है। सनम, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? थैंक यू। और आप? मैं जानती थी कि आप अपने भाई के पीठ पीछे माइंड गेम्स खेल रहे हैं। मुझे लगा था आपने जो भी गलतियां की उससे आप कुछ सीख जाएंगे, पर मैं गलत थी। अपने काम से काम रखो सनम, ये मेरा भी बिजनेस है और मेरी एजेंसी है। आप अपने ही भाई के साथ हर बार ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो, मेरे भाई से इस बारे में कुछ भी मत कहना। आखिरकार आपने कन्फेस कर ही दिया है ना? मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करने की जरूरत नहीं है, अपना मुंह बंद रखो। और मुझे क्या करना है क्या नहीं ये आप ना बताएं तो बेहतर होगा। ठीक है, मैं कॉल का वेट करूंगा। ओके, ठीक है, बाय। अरे यार, अब क्या करूं? सनम मेरे पीछे पड़ गई है, हमेशा टांग क्यों उड़ाती है? मुझे सब कुछ ठीक करना ही होगा। भाई, तुम मेरे लिए रुके नहीं? अरे नहीं, मुझे थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए थी, बस इसलिए बाहर आ गया। मैंने कॉल किया था, चलो हम कहीं खाना खाने चलते हैं। नहीं भाई, मौसम अच्छा नहीं है। ओके, ठीक है, एज यू विश। ऑफिस में क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना? नया कैमरा सिस्टम लगाया बिल्डिंग में हमने, और हमें पता चला है कि आइलैंड का हाथ था।
सरप्राइज नहीं हुआ तब? नहीं हुआ, तुम्हें हुआ? ज्यादा नहीं। मॉम, आपने मुझे तो डरा दिया। तुम्हारी मॉम कुछ कहना चाह रही, क्या कह रही है वो? कैसे हो तुम, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कैसे बात करें बेटा, वो तो मुझसे एक शब्द भी नहीं कह रही है, मेरी क्या गलती है? डैड वो कह रही है कि वो वैसे भी आपसे बात नहीं करती। सनीम और मेरे लिए वो सवाल था, पूछ रही है तुम दोनों कैसी हो। ठीक ठाक, कुछ खास नहीं मॉम, बस काम। अब वो स्पीच देगी। डैड वो कह रही है, मॉम बोलिए ना, लैला को समझ आता है, डैड और मुझे कुछ समझ नहीं आता, फिर हम आपसे कैसे बात करेंगे? हाँ मॉम, अब प्लीज अब बात करेंगी, बहुत हो गया है। सनीम और मैं आपके लिए कब से वेट कर रहे हैं बात करने को। मेरी जिंदगी में बस यही काम बचा है ना। पर मेरे के ये गलत है, बहुत हो गया, अब ये सब खत्म कर दो ना। हाँ ये तो नाइंसाफी है मॉम, डैड आपके कई सालों से हस्बैंड रह चुके हैं, आप अपने पति परमेश्वर का दिल कैसे तोड़ सकती है? सच कहा, मैं भी तुम्हें कभी जानबूझकर हर्ट करता हूँ क्या मेवकेवे? मैंने कभी तुम्हारा दिल तोड़ा है? पर तुम्हें ये मानना होगा मेवकेवे, ये प्रेसिडेंसी के पीछे भागते भागते तुमने इस घर को और मुझे इग्नोर किया। वो कह रही है मैं टेबल तोड़ दूंगी। नहीं वो ये नहीं कह रही सनीम। डैड आप चुप रहिए, मॉम ने सालों से काफी सैक्रिफाइस किए हैं, अब वो कह रही है कि मैं सिर्फ अपनी बेटियों से बात करूंगी। तुम्हें कैसे समझ आया? आप क्या करिए, उसने ऐसा किया। मॉम मैं कैसे कहूंगी? हे सनीम, तुम मुझे स्कूटर पर बाहर कब लेके जा रही हो? हाँ हाँ, वो तो मुझे चलाना सिखा रहे थे और मजा भी आ रहा था। पर मुझे आपके एक्सप्रेशन पता है, आईब्रो वाले, कथक वाले। हाँ मिस्टर जान गाड़ी चलाना सिखा रहे थे। वो कह रही हैं ठीक से चलाओ संभल के, और ये भी मिस्टर जान को इन्हें लाइब्रेरी ओपनिंग सेरेमनी के लिए इनवाइट भी किया है। जल्दी 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 कहो लैला, और वो दोनों इस सक्सेस को साथ में सेलिब्रेट भी करेंगे, बहुत मजे करेंगे, और मॉम उनके लिए पेस्ट्रीज भी बनाएंगी। तुम पेस्ट्री बनाने वाली हो मेवे के पे? पर किसका, पालक का है बैगन का? अब ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं लग रही है डैड। मैं समझा नहीं मैं कुछ। मेरा पेट भर गया है, अब मैं चलती हूँ। इतना सा ही खाया तुमने? मॉम अच्छा मैं ट्रांसलेट करती हूँ। डैड वो कह रही हैं वो आपसे प्यार करती हैं। अब वो सब सॉर्ट आउट करना चाहती हैं, वो कह रही हैं अब उनसे ये सब नहीं हो पाएगा। क्यों सही कहा ना मॉम? तुम तो हर जगह से मार रहे हो मुझे। रुक जाओ भाई, ये क्या हो रहा है? जब मैं एक्स 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 दबा रहा हूँ तो कॉम्बो होना चाहिए, पर हो नहीं रहा, क्यों ऐसा? कॉम्बो हो ही नहीं रहा। हाँ सब यही कहते हैं, जब हारने लगते ना तब। हाँ गेम ओवर। अच्छा हुआ वैसे भी मेरी आंखें जल रही थी। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें ठीक लग रहा है तो कल से काम पर आ जाओ, ठीक है? साथ में काम करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत नींद आ रही है, कल के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत होगी, क्योंकि कल तुम मेरे राइवल रहोगे। कल मैं तुम्हारे रिमोट से खेलूंगा। मॉम, मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? दरअसल हम काफी बिजी थे, मैंने भाई से बात कर ली और वो मान गए, कल से मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मॉम आपकी वजह से ये सब कुछ ठीक हो पाया सच में। ठीक है ठीक है ठीक है मॉम, मैं ध्यान रखूंगा। मॉम आप चिंता मत करिए, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। ओके अब मैं क्या करूंगी, सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना कितना मुश्किल है, ये और कब तक चलेगा, मुझे उन्हें बताना होगा।
हाँ लेकिन बाद में मुझे मत ब्लेम करना। मैं क्यों ब्लेम करूंगी, मैंने क्या किया है? कुछ भी तो नहीं। उन दोनों भाइयों के बीच तुम फिर से मत पड़ना। पर ये मिस्टर एमरे ने किया है। सनी मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ आओ ना अंदर। क्या हुआ है सनीम, अचानक तुम्हारा चेहरा डल क्यों हो गया है? कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो लैला मुझे कुछ बताना है, ध्यान से सुनो। हाँ कहो ना, क्या कहना है तुमको? मिस्टर एमरे के बारे में। क्या वो एजेंसी में लौट रहे हैं? तुम्हें देखकर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। नहीं लैला सुनो, वो सीक्रेट कैमरा जो एक स्नो स्पीयर में था वो मिस डेरन के रूम में था। हाँ मुझे पता है, उसका मिस्टर एमरे के साथ क्या नाता है? मुझे मिस्टर एमरे मिस डेरन के रूम में उसके साथ खेलते नजर आए और उसके बाद वो स्नो स्पीयर गायब हो गया। तो इसमें गलत क्या है? शायद उन्हें वो स्नो स्पीयर पसंद आ गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो जासूस है। और अब दोनों भाइयों ने एक दूसरे से पैचअप कर लिया है, वो उस एक्सीडेंट से मरते मरते बचे हैं। अब वो ऐसा क्यों करेंगे, रिस्क क्यों लेंगे बताओ? हाँ मुझे भी श्योर होना था, इसीलिए ये जानने के लिए मैं उनके घर चली गई थी। मैंने मिस्टर एमरे से बात की लेकिन। हाँ तो उन्होंने क्या कहा? उल्टा उन्होंने मुझे चुप रहने की धमकी दी। क्या सच में? I'm so sorry लैला, जब मैंने ये सुना तो मैं भी ऐसे ही शॉक हो गई थी। उन्होंने ना सिर्फ मिस्टर जान को धोखा दिया है बल्कि आपका भी ट्रस्ट तोड़ा है। तुमने अच्छा किया सनीम, सही किया। लैला सनीम, तुम मिस्टर जान को कब बताने वाली हो? हे डेविड, कैसे हो? जल्दी बता दूंगी, उनसे ज्यादा दिन छुपा नहीं सकती। तुम उनसे बात करो, मैं भी मिस्टर एमरे से बात करूंगी और पता लगा लूंगी। हाँ तुम बात कर लो फिर देखते हैं। चलो आप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दरवाजा क्यों बंद किया, कोई जरूरी बात है क्या? मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूं, पर मुझे आपको एक बात बतानी है। शायद वो सुनने के बाद आप फिर से हर्ट हो जाए। हाँ। जान, वो स्नो स्पीयर मिस्टर एमरे ने लिया है। अच्छा उसने? ओके ओके ठीक है। आप सरप्राइज नहीं हुए? नहीं मुझे ऑलरेडी पता है। कैसे पता था? उसने कल रात को मुझे कहा। कैसे, क्या कहा उसने? भाई दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। बात नहीं दरअसल मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ? ये अजीब चीज तो मेरे ऑफिस के कैबिन में थी। ये रहा कैमरा, हमने उस दिन ध्यान से नहीं देखा तो नजर नहीं आया, पर फिर हम सोच रहे थे कि अचानक से ये अजीब सी चीज कहां गायब हो गई। पता है इसे मैंने लिया था। इसका क्या मतलब है, तुमने ऐसा क्यों किया? नाराज मत हो, बैठ जाओ प्लीज, बैठो। हाँ बोलो। मैं समझाता हूँ, बैठ जाओ, बैठो, जस्ट काम डाउन ओके। जब मैं एक्सीडेंट के बाद ऑफिस आया था तब सब लोग जासूस को ढूंढ रहे थे और मुझे आइलैंड पर शक हुआ। हाँ उसने ही किया, सही कह रहा ना? हाँ हाँ उसने ही किया है, पर पहले उसने कन्फेस नहीं किया, मैंने उसकी वीकनेस यूज की और फिर उसने बताया मुझे। पर एमरे तुमने ये क्यों किया, तुम डायरेक्टली मुझसे आकर बात कर सकते थे। भाई समझो तुम बहुत गुस्सा करते हो और चीजें हाथ से निकल जाती है। आइलैंड को पता है तुमने वो ले लिया? हाँ पता ही होगा। हाँ उसे पता है,
पर मैंने उसे कैमरा की जगह पूछी और उसके बदले में कोर्ट ना जाने का प्रॉमिस किया है। पहले से ही कंपनी में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। देखो भाई, भाई मुझे जो सही लगा मैंने वही किया, इसके अलावा मैं और करता भी क्या? हाँ, मुझे हम दोनों की खबरें न्यूज़पेपर में नहीं पढ़नी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे क्या? कैमरा हासिल करने के लिए मुझे उसे प्रॉमिस देना पड़ा, पर अगर तुम चाहते हो तो पुलिस के पास चलते हैं। तुम बताओ। ठीक है फिर, नहीं करते ऐसा कुछ, अब वैसे भी देर हो गई है। क्या तुम गुस्सा हो? तुमने जो किया वो सही किया, अच्छा था, मुझे खुशी हुई तुमने हमें चुना। एमरे सुनो, मुझे उस औरत से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे सजा हो या ना हो, तुम मेरे साथ हो मुझे इस बात की खुशी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, यू डोंट वरी भाई। और प्लीज उस औरत को हमारी जिंदगी से बाहर निकाल दो। हाँ वो मैं पहले ही कर चुका हूँ। आई थिंक वो सच बोल रहा है, आई मीन वो अभी ऐसे अचानक से हमें धोखा क्यों देगा, मुझे नहीं लगता वो ऐसा कर सकता है। जान, मुझे फिर भी लगता है कि मिस्टर एमरे कुछ नया खेल खेल रहे हैं। अच्छा, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जान सकता हूँ मैं? मैंने उन्हें मिस डेरन के रूम में देखा था, उन्होंने वो स्नो स्पीयर पकड़ा। वो बात उसने क्लियर कर दी ना। तुम्हारे पास और कोई प्रूफ है, कोई नए एविडेंसेस? नहीं नहीं, पर सनम देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें एमरे पर भरोसा नहीं है क्योंकि उसने पास्ट में जो किया, तुम्हारा कंसर्न भी बिल्कुल वैलिड है, ओके, पर मैंने तुम्हारी बात सुनकर ही उसे एक नया चांस भी दिया है। पास्ट में जो भी हुआ उसे भूलना चाहता हूँ, मैं कहूंगा कि तुम भी उसे भूल जाओ प्लीज, ठीक है? लैला, मिस्टर एमरे, ये रहे कैश के कुछ डिटेल्स, मुझे लगा शायद आपको इसकी जरूरत होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच लैला, तुम ठीक हो ना? हाँ, अगर आपको और कुछ नहीं चाहिए तो मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ, मुझे काम है। लैला, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो, कोई प्रॉब्लम है? मैं आपसे क्यों बात करूं मिस एमरे, और मैं आपसे कहूं तो क्या कहूं? आपको याद है जब आप और आपके भाई साथ में नहीं थे तब हमारे बीच कुछ बात हुई थी, आपने कहा था कि आप मुझे प्रॉमिस करते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर आपके शैतानी प्लान्स तो बंद ही नहीं हो रहे मिस एमरे, ये बताइए आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? आपने मेरी आंखों में धूल झोंका है, मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, मैं हमेशा खुद को समझाती थी कि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपने तो मेरा ट्रस्ट ही तोड़ दिया, आप कभी बाज नहीं आने वाले। मिस्टर एमरे, आप एक चीज में बहुत अच्छे हैं, आप झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। लैला मत जाओ प्लीज, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी मिस्टर एमरे, बहुत हो गया, मुझे जाने दीजिए। लैला, मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने वो सब कह दिया, बहुत गुस्सा हुई थी मैं, तुमने क्या किया? मिस्टर जान को ऑलरेडी सब पता था, मिस्टर एमरे ने उन्हें सब बता दिया था पहले। और फिर क्या कहा था उन्होंने, कि वो जासूस हैं? नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि ये सब आइलिन का किया धरा है, मिस्टर एमरे को जब कैमरा के बारे में पता चला तो वो लास्ट टाइम यही थे, उन्हें शक हुआ तो इसलिए फिर उन्होंने आइलिन से सच्चाई पूछी। पर तुमने तो कहा था कि उन्होंने कन्फेस किया था कि इस जासूसी के मामले में उनका ही हाथ है। हाँ यही तो, उन्होंने मुझे सब सच बताया था इसलिए मैंने तुमसे आकर बात की, और मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, अब हम क्या करेंगे? तो मिस्टर एमरे गिल्टी है या नहीं है? देखो लैला, मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सनेम, अब ये तुमने क्या किया, अब मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी? वो इनोसेंट नहीं है, अगर वो इनोसेंट होते तो वो मुझे धमकी क्यों देते? उन्हें इस बात का डर था कि मैं मिस्टर जान को जाकर सब सच बताऊंगी, इसलिए उन्होंने ये कहा। सनेम, तुम्हें हर चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना ही उनके बीच में कुछ सॉल्व करने की, उन्होंने जान को बताया और अब सब कुछ सॉर्टेड है। लैला, फिर उन्होंने मुझे ऐसी धमकी क्यों दी? शायद उन्हें उनके भाई से खुद बात करनी होगी इसीलिए। सुनो, ये इंसान बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है, इनसे जरा संभाल के रहना। सनेम, आज के बाद तुम ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती, समझी? तुम्हें श्योर होना चाहिए किसी को ब्लेम करने से पहले, तुम्हारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है। ठीक है लैला, मैं गलत हूँ,
मैं गलत हूँ ना, तुम देखना। सनी, अरे रे, फिर से बच्चों की किताब, उसे वहां रखते हैं। ये देखिए आंटी, यहाँ भी बच्चों की किताब है। लगता है उनके बच्चे किताब नहीं पढ़ते होंगे तो उन्होंने सारी किताब हमें ला कर दे दी। अब हम इन किताबों का क्या करेंगे बताइए। ये भी बच्चों की है। ये देखिए, ये भी बच्चों वाली बुक। बकवास, पूरी किंडरगार्टन वाली फीलिंग आ रही है मुझे। और एक ही किताब 10-10 बार दिए लोगों ने, इतनी सारी किताबों को क्या करेंगे हम लोग। मुजफ्फर, इनकी भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, मुर्गियों के ऊपर भी एक किताब भेजी गई है, मुझे ये पढ़ना है, शायद मुर्गियों को मैं पाल सकूं। ये लाइब्रेरी हमारे बस की बात नहीं है, मैं इसे सीखता हूँ फिर हम ये बिजनेस खोलेंगे। मुजफ्फर, मैं पहले से बहुत अपसेट हूँ, मेरी टेंशन और मत बढ़ाओ। बुक्स ढूंढने में मेरी मदद करो, चलो आ जाओ, और भी काम है। लोग हमें डोनेट तो कर रहे हैं पर ये सारी किताबें एक जैसी, इतनी सारी किताबों का हम क्या करेंगे। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं भी एक किताब लिख डालूं। उसके लिए खास एक शेल्फ बनाएंगे और मेरी सारी किताबें उसमें रखेंगे और उस पर लिखेंगे मुजफ्फर की मनोरंजन कहानियाँ। और तुम्हें पता है मैं क्या लिखूंगी? मुजफ्फर की बकवास बातों का पिटारा। अरे नहीं, नहीं लगता आप छिड़ गई। हम ऐसी किताबें कहाँ से ढूंढेंगे, कहाँ से लाएंगे ऐसी किताबें? एक मिनट रुको, देखो मैंने क्या सीखा। इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन का होता है। मैं ही हूँ, बताइए। आपके लिए कोई डिलीवरी से आया है, प्लीज देख लीजिए। हाँ, क्या आया होगा? लाओ 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 लाओ, जल्दी करो, चलो चलो चलो। ये सब क्या है? किताबें। अहिला, किताबें मांगी और किताबें आ गई। हमें कुछ और मांगना चाहिए था तो वो भी आ जाता है कि नहीं? पर ये कहाँ से आई हैं? जान डिविट ने भेजी हैं आपके लिए। जान डिविट ने? लगता है उसने ट्रक भरकर किताबें पढ़ी। आंटी, मुझे उस पर भरोसा नहीं होता, वो इतना अच्छा बनने की कोशिश क्यों करता है? मुजफ्फर, देखा तुमने, देखा तुमने मुजफ्फर? हाँ मेरी प्रेसिडेंट, मैं देख रहा हूँ कि जान डिविट ने हमें कितनी सारी किताबें भेजी है, कितना अच्छा इंसान है वो, कितनी हेल्प की है उसने, और अब हमारी लाइब्रेरी अच्छे से चल पाएगी। चलो जाके किताबें अरेंज करते हैं, चलो चलो, इतना अच्छा हो गया। ओ तेरी, यहाँ तो ट्रक भर भर के किताबें आ रही हैं, इतनी सारी किताबें, ऐसा लगता है इनका बुक स्टोर बहुत अच्छा चलेगा। ये लाइब्रेरी है एहसान। ऐसा कौन सा फर्क है, दोनों एक ही तो बात है। एहसान इधर आओ। ये लाइब्रेरी नहीं खुलनी चाहिए एहसान। और वो कैसे होगा? वो मैफकिबे और मुजफ्फर नहीं जीत सकते। इतनी किताबें हैं, अच्छी दुकान है, सब कुछ सेट है इनका। एहसान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक अच्छा प्लान बनाओ, सैबोटाज करो, मैफकिबे को बर्बाद कर दो। अरे तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो खुद इतना सब कुछ संभाल नहीं पाएगी, देखो कितनी बुक्स है उनके पीछे छुप जाएगी वो। एहसान, ठीक है मैं कोई तरीका ढूंढ लूंगा। अरे रुको ना, मुझे बात तो करने दो। सच में? ये लो, ये तुम्हारा है जी जी। अरे तुम बोलो, देखो बात करें, इनके लिए मॉडल्स आई हैं, तुम बात करना। हाँ मैंने देखा और काफी अच्छे हैं, पर ये सब प्रोटीन पाउडर और बस फूड कलर से बने हैं, यू नो। बहुत अच्छे। क्या चल रहा है जे जे, ये आवाज कैसी? मिस्टर जान मॉडल्स आ गए हैं। वो सब परफेक्ट हैं, ऑफ कोर्स नॉट एज मच एज यू। कम ऑन, मेरे जितना परफेक्ट कौन हो सकता है? सनम, सिनान, तुम यहाँ? क्या चल रहा है? कितने सालों बाद मिले हम, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, हाल चाल पूछे जा रहे हैं? मैं वही सोच रही थी कि ये आदमी मुझे घूर क्यों रहा है। मैं भी यही सोच रहा था। हाँ मिस्टर जान, इनसे मिलिए, ये है सिनान, मेरा दोस्त है बचपन का। और अच्छा, ये तुम्हारा है दोस्त? हाँ बचपन का दोस्त है। Hey, nice to meet you. Pleasure to meet you, sir. अब जानते हैं सनम, मेरी स्कूल में करीबी दोस्त थी, हम हमेशा साथ में रहते थे, बहुत मस्ती किया करते थे, है ना सनम? अच्छा हाँ, जब लड़कियाँ स्किपिंग करने जाती थी तब मैं इसके साथ फुटबॉल। और मुझे याद है तुम्हारे पास एक रेड शॉर्ट्स था, वो तुम पर कितना जचता था, बहुत प्यारी लगती। तुम्हें याद है? कैसे भूल सकते हो, ब्यूटीफुल, वो भी शॉर्ट्स में, इतने शॉर्ट्स में, ब्यूटीफुल, कोई ब्यूटीफुल लग सकता है शॉर्ट्स में? नहीं नहीं, इतना शॉर्ट नहीं, यहाँ तक जितना कि फुटबॉल के प्लेयर्स पहनते हैं, बस उतना ही। पर तुम सिनान, सब लड़कियाँ तो तुम पर मरती थी, और मैं भी। अच्छा तुम भी प्यार करती थी? हाँ, तुम आशिक थी क्या? आशिक मैं नहीं, वो थे, वो, मैं आशिक नहीं थी, वो थे आशिक। और वो था ना, तुम्हें याद है वो? कान? वो कभी नहीं भूलती, कभी नहीं, उसकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है, इसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, उसे सब याद रहता है, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, सब कुछ याद है। रहता है। हम बाद में बात कर सकते हैं सिनान, मुझे थोड़ा काम करना है। ठीक है, पर कहीं गुम मत हो जाना, इतने सालों बाद मिले, कॉफी पर तो चलना ही चाहिए, ठीक है? हाँ, जरूर आऊंगी। तुम गुम हो जाओगी, तुम भूल गई कि तुम्हें स्कूटर चलाने के लेसेंस लेने बाकी है, तुम्हारी तो फोटोग्राफिक मेमोरी है, फिर तुम कैसे भूल गई ये सब? हाँ सिनान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे हाँ, सच में हमारे लेसेंस थे। हाँ, स्कूटर राइडिंग। ओ, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे जाना होगा। फिर कभी चलेंगे, कोई बात नहीं, हम फिर से मिल सकते हैं जहाँ तुम कहो, है ना?
सनम, आई एम सो सॉरी, काश ये मुमकिन हो पाता पर ऐसा नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि सनम हमेशा ही बिजी रहती है, इसलिए वो काम छोड़कर नहीं आ सकती। यू नो व्हाट आई मीन? तुम जाओ और प्रेपरेशंस देखो, हमें बहुत काम करने हैं। तुम जाओ और डिटेल्स चेक कर लो शूटिंग के पहले, ठीक है ना? हाँ सिनान, हम बाद में बात करते हैं। जे जे, सिनान को अंदर ले जाओ, ये पहले प्रेपरेशन रूम में जाएंगे। तुम इन्हें साथ ले जाओ और सब दिखा दो, और इनको कोई भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, अपना टाइम लो भाई, कोई चीज की जल्दी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मुझे कॉफी पीनी है। ठीक है ठीक है, क्लीन ग्लासेस। मिस्टर, अरे कोई बात नहीं, मुझे दो ना, मैं बना लूंगा। मुझे शुगर देना वहाँ से। मैं कर लूंगी। दीजिए ना मुझे। अच्छा, तुम्हें तो बहुत ज्यादा याद आ रही थी। कितनी अच्छी बात है, तुम दोनों स्कूल मेट्स हो, इतने सालों बाद मिले हो, एक दूसरे को इतना किस किए जा रहे हो। एजेंसी ये ऑफिस है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? हाँ माना कि तुम लोग पुराने दोस्त हो, पर ये क्या बात हो गई? मुझे भी यही लगा था जब सायदा और गामजी यहाँ आई थी, तब तो आपने कुछ नहीं कहा था। क्या कहना चाह रही हो तुम सनम? हाँ क्या? कुछ नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं, तो किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सनम टॉपिक चेंज मत करो, ठीक है? मैं नहीं कर रही सनम, ये मॉडल्स का ना बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। बी केयरफुल कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है ना? अभी तुम ऑफिस में हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम कहाँ, और उसके बाद अपनी दोस्ती निभानी चाहिए। आप मेरे पर्सनल लाइफ में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ एज अ क्लोज फ्रेंड। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, सनम भी तुम्हारा दोस्त है, और मैं भी तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। पर वैसा लग तो नहीं रहा। तो कैसा लग रहा है बताओ? मतलब ये है, सिनान मेरा नॉर्मल फ्रेंड है, और मैं स्पेशल। स्पेशल? तुमने स्पेशल कहा, तुमने कहा कि मैं स्पेशल हूँ, पर तुम्हें उसका मतलब पता है? मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए, मैंने तो बातों का बतंगड़ आपसे बनाना सीखा है। स्पेशल वाली बात के बारे में बताओ। मैंने थोड़ी पहले स्पेशल कहा था, वो तो आपने कहा था कि मैं आपकी स्पेशल फ्रेंड हूँ, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह एकदम स्पेशल, और कोई आए तो डोंट एंटर। चलिए ना, हम स्कूटर लेसन के लिए चलते हैं। हाँ चलो, मैं बाहर जा रही हूँ। ओके, हम दोनों को जाना होगा है ना, क्योंकि मैं लेसन दूंगा। पर ये क्या था आशिक, मतलब सब लोग उसके नहीं, पीछे पर हम नहीं, सब उस पर मरते। मैंने कहा आशिक पर, मैं नहीं, वो लड़कियाँ। मैं बस आपको ठीक से समझा नहीं पाई। एजेंसी के पास आ गई। आइलेन यहाँ क्या कर रही हो बताओ? एमरिक कहाँ हो तुम? तुम घर पर भी नहीं थे, मुझे लगा तुम अपने भाई के साथ होगे, इसलिए एजेंसी आ गई। आइलेन तुम पागल हो, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। मैं पागल हूँ एमरिक? तुमने बनाया है मुझे पागल। मैंने कहा था ना हमें बात करनी चाहिए, पर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, समझी तुम? हमें अभी बात करनी होगी एमरिक। तुम बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगी। तुम ऑफिस के अंदर नहीं आओगी, मैं बाहर आ रहा हूँ, तुम बस कहीं मेन गेट से दूर खड़ी हो जाओ, ठीक है ना? ओके, पीछे वाली लेन में मिलते हैं। अच्छा ठीक है, मिलते हैं, मेरे इंतजार करो। बोलो, इतनी क्या इंपॉर्टेंट बात है, क्या बोलना चाह रही हो तुम? मुझे वो स्नोस्फेयर चाहिए एमरे। आइलेन, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। ये क्या कह रहे हो, तुम्हें मुझे वो देना ही होगा। मैं नहीं दे सकता, मैंने अपने भाई को दे दिया। क्या? सच में? सही सुना, मुझे अपने भाई का ट्रस्ट फिर से गेन करना है, इसलिए मुझे करना पड़ा। तुमने मुझे धोखा दिया है। आइलेन, मेरे भाई को तुम पर पहले शक हो गया था, सनम ने मुझे स्नोफेयर लेते हुए नोटिस किया, मुझसे आकर बात भी की, मैं क्या करता, मुझसे पहले वो मेरे भाई को बता देती। देखो तुम इतनी स्मार्ट नहीं हो जितना तुम खुद को समझती हो। फिर जॉन ने क्या किया, क्या उसे तुम पर शक हुआ? नहीं आइलेन, उसने मुझ पर यकीन किया, वरना मैं जेल में होता आज। अब वो पुलिस के पास नहीं जाएगा? नहीं, वो नहीं जाएगा। आइलेन, दोबारा प्लीज यहाँ मत आना, मैं तुम्हें कॉल करूंगा।
उस्मान वो तुम्हें अंदर जल्दी ही बुलाएंगे, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम सेलेक्ट हो जाओगे। मुझे अब जाना चाहिए, मुझे बहुत सारा काम है, मैं चलती हूँ। ठीक है। ओ गुलीज इधर आओ, तुम इनके साथ रहो, मैं आती हूँ अभी। बाय। उस्मान तुम कितने हैंडसम लग रहे हो, ये लो कॉफी तुम्हारे लिए। थैंक यू। क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकती हूँ? क्या तुम बॉडी बिल्डिंग करते हो? नहीं, मैंने कभी की तो नहीं है वैसे। अच्छा, फिर क्या करते हो? वैसे हमारे अलावा किसी ने तुम्हें शूटिंग के लिए कॉल किया है कभी? बताओ ना मुझे। नहीं, वो मैं शॉप में काफी बिजी था तो मेरे पास ये सब के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं बचता। अच्छा, तुम्हें पता है तुम्हें कास्टिंग एजेंसीज में अप्लाई करना चाहिए। ओके। उस्मान वेलकम। हेलो। यू लुक ग्रेट। कितनी अच्छी बात है ना, हम फिर से साथ में काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात मिस डेरिल। आपको पता है इन्होंने कभी कास्टिंग एजेंसी में अप्लाई भी नहीं किया है। आर यू सीरियस? मेरी एक करीबी दोस्त की कास्टिंग एजेंसी है, वो काफी सक्सेसफुल है, मेरे पास जरूर उसका कार्ड होगा। रुको मुझे ढूंढने दो, मैं फिर बताती हूँ। तुम्हें पता है गुलीस? हाँ हाँ याद है मुझे। अच्छा ये लो, तो तुम उनसे बात कर लेना, मैं भी तुम्हें रेफर कर दूंगी वहाँ, डोंट वरी। वैसे तुम्हारा लुक और अपीयरेंस काफी अच्छा है, तुम फेमस हो सकते हो। एग्जैक्टली, तुम्हें ये करना चाहिए, सबको तुम पसंद आओगे। क्या कह रही हो, सच में? वैसे मुझे नहीं पता। अरे उस्मान, डोंट बी दिस हम्बल, मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ, ये बिजनेस वर्ल्ड के लोग ना तुम्हें यूज कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। हाँ सही कहा उस्मान, चलो बैठो यहाँ और बताओ कैसे चल रहा है सब। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती क्या? मिस टेमरे, मैं आपको कैसे देख सकती हूँ, मैं कितनी मैनरलेस हूँ, मुझे शर्म आ रही है इसलिए मैं आपको नहीं देख सकती। हाँ सही कहा तुमने, तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए मिस टेमरे, आई एम सो सॉरी। माफी के लिए ये काफी नहीं है, तुम्हें कुछ और भी करना पड़ेगा। मिस टेमरे मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो। सोचने दो कि तुम क्या कर सकती हो। क्या बोलूं क्या बोलूं। हाँ मेरे साथ लंच पर चलोगी? जरूर मिस टेम्ब्रे, हम लंच पर जा सकते हैं। तो क्या खाओगी? सैलड विद चिया, मुझे बहुत पसंद है। आप खाएंगे? मैं अभी आर्चिव में जा रहा हूँ। Okay. तुमसे बाद में मिलता हूँ। सनम, हैंडल को ठीक से पकड़ो, रिलैक्स करो, होल्ड इट सॉफ्टली, उस पर दबाव मत बनाओ, ओके? एकदम आराम से रिलैक्स। ओके। अरे धीरे धीरे, हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, देखो गिर जाएंगे। सनम क्या कर रही हो, कोई तुम्हारी बाइक चोरी नहीं करने वाला, आराम से ना, टाइम लो। डिफिकल्ट, प्लीज रुकिए। ठीक है, काम डाउन काम डाउन। हाँ सब सही है, काम डाउन, आराम से रुको। नहीं नहीं मिस्टर जॉन, मिस्टर जान हम बारिश में क्यों गाड़ी चला रहे हैं, क्या हम निंजा कमांडो हैं? अरे मैं कोई वेदर फोरकास्ट नहीं हूँ, मुझे थोड़ी पता थी कि बारिश होने वाली है, पर अब बारिश का मौसम है तो बारिश होगी, और अब ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कैसे सिखा सकता हूँ? अरे मतलब यहाँ कोई पेडेस्ट्रियन होगा, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई रोड पे होगा तो क्या होगा? हा? तुम उन्हें देखे बिना ही बस ऐसी ठोक दोगी, तुम आजू बाजू ठीक से देख ही नहीं रही हो। मिस्टर जान सभी रोड तो खाली है, मेरे पीछे कौन आएगा, यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। नहीं ऐसे नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और फ्यूचर में तुम ऐसे खाली सड़कों पर थोड़ी चलाओगी, तुम्हें ट्रैफिक मिलेगा, रोड क्रॉस करने होंगे, बाइकर्स होंगे, पेडेस्ट्रियंस होंगे, सब चीजों का ध्यान रखना होता है। मिस्टर जॉन आप मेरी टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं, आई एम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड। ओह कितना जल्दी स्ट्रेस हो जाती हो तुम। हाँ ये तो बस शुरुआत है, सच कह रहा हूँ, कोई खिलौना नहीं है ये खेलने के लिए, तुम्हें शांत रहना पड़ेगा और एकदम फोकस के साथ काम होकर चलाना पड़ेगा, ऐसे टेंशन में चलाओगी तो मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे शांत रहने दीजिए, शांत। ओह अच्छा, तो तुम्हें शांत रहकर चलाना पड़ेगा, मुझे तो ये बात पता नहीं थी तुम कितनी होशियार हो, कुछ भी बोल रही हो तुम। तुम बताओ तुमने कभी ऐसा सुना है कि जो पीछे बैठा वो पीछे ही देखेगा? हाँ बोलो ना। अच्छा एक काम करते हैं, आप पीछे बैठे हैं ना, आप पीछे देखिए और मैं आगे देख के चलाती हूँ। अरे नहीं ऐसा नहीं होता, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती हो, जो व्हीकल चलाता है वही सब जगह देखता है। आप भूलो मत, हमेशा एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक सपोर्टिंग आदमी होता है। अरे ये रियर व्यू मिरर तो तुम्हारे मेकअप लगाने के लिए, तुम इस पे देखो, पाउडर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, ये तो तुम्हारे तैयार होने के लिए दिया गया है यहाँ पर। फिर ये रेयर व्यूज किस लिए है, और ये कार के है ना, तो स्कूटर में क्यों लगाए हैं, ये तो कार में होने चाहिए। अरे तुम क्या कह रही हो, देखो इधर मेरी बात सुनो, तुम मुझे देख सकती हो जब मन चाहे, पर स्कूटर चलाते वक्त तो ऑफ कोर्स नहीं ना। हाँ तो मैं उसमें से आपको देख रही थी। क्या कह रही हो,
मेरी बात सुनो, सुन रही हो कि नहीं? हेलो, तुम जब चाहो मुझे देख सकती हो, पर एटलीस्ट स्कूटर चलाते वक्त नहीं, राइट? तुम्हें सिर्फ अपनी स्कूटर पर ध्यान रखना होगा, फोकस रास्ते पर रखना होगा, वरना कंट्रोल छूट जाएगा। तुम्हारा सर बिल्कुल अलाइन होना चाहिए, समझ रही हो? मुझे पता है क्या करना है। हाँ, मैं क्या, आप क्या करोगे? मैं वो सब नहीं पहनूंगी। नहीं, हम ये करेंगे, मैं तुम्हें इससे कवर कर दूंगा, ये प्रोटेक्ट करेगा तुम्हें। मैं एक रोबोकॉप की तरह दिखूंगी और मैं उसे पहन के नहीं चला तो सकती। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रोबोकॉप लगो। ये जंक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट है और सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये मेरा फॉल्ट है। मुझे पहले ही तुम्हें ये पहना देना चाहिए था। ओके, कोई बात नहीं, पर अब पहनो। इधर आओ, कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ भाग रही हो? इधर आओ, इधर आओ, पहनो, चलो इसे। चुपचाप पहनो, कोई जिद नहीं चलेगी तुम्हारी। ओके, भागने की कोशिश मत करना, समझ गई ना तुम? ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। और ये स्कूटर तुम्हारा ही है। स्कूटर? हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अपनी आंखें हमेशा रेयर व्यू मिरर पर ही होना चाहिए। तुम चाहे जिसे देख लो, पर इतना भी नहीं कि तुम्हारा फोकस ही हट जाए, ठीक है? हाँ, स्कूटर के साथ ना? यस ऑफ कोर्स माय फ्रेंड, स्कूटर के साथ। तुम्हें बिल्कुल संभाल के चलाना होगा और उस जगह को इमेजिन करना होगा जहाँ तुम्हें जाना है, समझ रही हो क्या कह रहा हूँ? मैं और स्कूटर। तुम और स्कूटर, तुम किसी के साथ जाना प्रेफर करोगी? कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर? अच्छा, फ्रेंड के साथ, ठीक है। कौन सा, स्पेशल वाले या नॉर्मल वाले? मेरे सोलमेट के साथ। और कौन है तुम्हारा सोलमेट? मेरा मतलब सीटमेट। सीटमेट? हाँ, ये भी ठीक है। चलो, अब मैंने तुम्हें सब पहना दिया है तो तुम सेफ हो। चलो आ जाओ, राइड करो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ओके, अब हम जा सकते हैं क्या? हम जा रहे हैं। तुम टेबल वहाँ पर रखो, वो बीच में होना चाहिए। हाँ, और चेयर वहाँ रखो। और ये क्या है, ये क्या कर रहे हो? और यहाँ पर तो बुक्स रखी थी, कहाँ चली गई? किताबों को मैं देख लूंगा, इसके का क्या? हाँ, केक को वहाँ पर रखो, ठीक है? और सुनो, मीठा और नमकीन अलग अलग होना चाहिए। पर मेरी प्रेसिडेंट, मैंने वाइस प्रेसिडेंट बनकर शुरुआत की थी और अब मैं वेटर बनकर यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं? आप ही बताइए मुझे। पर हम पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, हमें सबकी सेवा करनी है, हमें थकना नहीं है। ब्रावो, ब्रावो। अरे, शुरू हो गई सेरेमनी, शुरू हो गई। नहीं, सेरेमनी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। इसे क्या हो गया? मुझे डर लग रहा था कहीं मैं सेरेमनी मिस ना कर दूं, पर मैंने पूरी ताकत लगा दी टाइम पर आने के लिए। ये कुछ सीड्स लाई हूँ खाने के लिए। अच्छा, सीड्स लेकर आई हो? मुझे पता है लाइब्रेरी में बैठकर तुम वही चिक चिक करके खाती रहोगी। इसके अलावा तुम कुछ काम भी करती हो क्या? इतने सारे ले आई हो? तुम्हारे हस्बैंड को क्या हुआ है? कितना अच्छा लग रहा है। देखा देखा, कितना हैंडसम लग रहा है ना, मैं फिर से फिदा हो गई हूँ। इस बार शायद उन्होंने और भी बड़ा बुके बुक किया है, मुझे माफ कर दो मैफ की बे। हाँ, बड़ी गलती का बड़ा तोहफा। तुम माफ क्यों नहीं करती थी? क्या चल रहा है, जल्दी करो सब लोग। और हैंडसम भी है, आज वो बहुत हैंडसम है। फ्रेंड्स, प्लीज किताबें ले आइए, मुझे अंदर रखनी है। आइए, ले आइए। स्टेज इज योर्स। ओ माय गॉड, क्या बात है। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं बड़े अच्छे हैं हमारे निहात साहब। नहीं मिस्टर निहात, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। माफ कर दिया? हाँ, तुमने माफ कर दिया? क्या करिए? उन्हें मेरे आंखों के सामने से हटाओ, वो एंट्रेंस ब्लॉक कर रहा है, उसे सामने से हटाओ। उनको बुरा लगा होगा।
ये क्या हो गया? अरे तुम अपना काम करो ना, जल्दी से चेयर्स अरेंज करो। चलो मैं कर लूंगी, पर ये सब सही नहीं है जो तुम कर रही हो। तुम जानती हो मुझे पता है मुझे क्या करना है। सब पता है बेचारे, मैं अंदर जा रही हूँ, तुम्हें जो लगता है वो करो। ओके उस्मान, बस अब तुम्हें वो अंदर बुला ही लेंगे, ठीक है? ठीक है, प्लीज प्लीज आइए बैठिए। हाय गाइस, सब कैसा चल रहा है? बढ़िया, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तुम कुछ नहीं करते हो, सबके सब यूजलेस हो। तुम लोग कभी कुछ नहीं करते। हम सभी एक कैंपेन पे काम कर रहे हैं। गैदर योरसेल्फ टुगेदर। ये हर दिन पागल क्यों होते जा रहे हैं? लैला, मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा, अगर तुम्हारा खत्म हो जाता है तो हम साथ में चलते हैं। पर हम साथ में नहीं जा पाएंगे उस्मान। मगर क्यों? आज ओपनिंग सेरेमनी है, तुम्हारी मॉम ने बहुत मेहनत की है। वो आज है क्या? ठीक है, मैं मिस्टर एमरे से बात करके आती हूँ। हाँ सही है, अभी तो मिस्टर एमरे के साथ जाना बहुत जरूरी है। ये सब तो होता रहेगा, है ना? कोई बात नहीं उस्मान, वो बिजनेस के लिए जाना है मुझे, बिजनेस। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मॉम से क्या कहूँगा ये बता दो मुझे, कि लैला ऑफिस के काम में इतना बिजी थी कि वो आ नहीं पाई। शी इज वेरी सॉरी। उस्मान, उनको समझ में नहीं आएगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ। वो काफी बिजी रहेंगी, और अगर वो नोटिस करती हैं तो उनसे कुछ भी कह देना, मैं कोशिश करूंगी। जरूर जरूर तुम कोशिश करोगी। तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है मैंने तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट किया है, माफ कर देना मुझे। अब मैं चलता हूँ, कोशिश करना आने की। उस्मान तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम अंदर आओगी? ओके मैं आ रही हूँ, गर्ल्स यू टेक केयर, मैं भी आती हूँ। ओके फाइनली मिसेस मैफकिबे। मिस्टर जान आइए। थैंक यू, कैसी हैं आप? आने के लिए शुक्रिया। माय प्लेजर। कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज बता देना मुझे। नहीं नहीं, आपने इतना कुछ किया है, आपकी मदद से ही तो ये लाइब्रेरी खुल पाई है। पर आपको हेल्प की जरूरत है? कोई बात नहीं, ये क्या बात हुई, मैं भी कर सकता था काम। अब ये थोड़ा बहुत काम करेंगे और तारीफ सारी इनकी होगी, हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ। हाँ सही बात है। व्हाट्सअप रहमी, ठीक है? ये कपड़ा बिछा दो, ये बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है भाई। लैला कहाँ है? मुझे नहीं पता, अब तक नहीं आई। मैं उसे कॉल करती हूँ। मैं तो परेशान हो गया हूँ, हमेशा इनकी वाह वाह होती है। मिस्टर एमरे प्लीज मत हंसिए, मुझे अभी भी अशेम्ड फील हो रहा है। सॉरी सॉरी, पर मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारा मेरी केबिन में आकर डांटना याद आ रहा है, पर मैं दोबारा नहीं हंसूंगा, आई एम सॉरी। और मैंने भी ऐसे कैसे कर लिया बिना कुछ जाने परखे, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है ये क्या हुआ। तुम एक तरह से सही थी, ऐसा दिख रहा था कि मैं ही सस्पेक्ट हूँ, मेरा पास पीछा नहीं छोड़ता मेरा। मिस्टर एमरे मुझे पता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे अपने मन की सुननी चाहिए थी। जो हुआ भूल जाओ, अब खुशी इस बात की है कि हम दोनों यहाँ साथ में हैं, और क्या चाहिए। मुझे खुशी है कि मुझे इस तरीके से माफ़ी मिल गई। तुम श्योर हो तुम्हें माफ़ी मिल गई? नहीं मैं नहीं हूँ। माय गॉड। देखते हैं। मॉम का कॉल आ रहा है। हाय मॉम। लैला तुम कहाँ हो, सेरेमनी शुरू होने वाली है, आ जाओ। मॉम मैं आपको बताना भूल गई कि मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं अभी यहीं थोड़ा बाहर हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, तुम्हारी मॉम के अब दुश्मन बन गए हैं और तुम अपनी माँ के फर्स्ट सक्सेस में उसके बगल में खड़ी भी नहीं हो सकती, वाह। मॉम बिजनेस के कारण मुझे ऐसा करना पड़ा, मैं हमेशा आपको सपोर्ट करती हूँ, मुझे आप पर बहुत नाज है, आप प्लीज समझिए कि मैं किस वजह से फंस गई। लैला तुम्हारे बॉस यही है, मैं उनसे छुट्टी मांग लेती हूँ। मिस्टर जान वहाँ पर है? हाँ मैंने उन्हें बुलाया और वो आ गए, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते ना। मॉम ठीक है लैला मुझे जाना है, मुझे बहुत से काम है, बहुत मेहमान आए हुए, आइए 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 आ जाइए। उन्होंने मेरा फोन ही काट दिया। सच कह रही हो, तुमने कोई अपॉइंटमेंट मिस किया क्या? मिस्टर एमरे अगर आपको याद होगा मोहल्ले में मेरी मॉम को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है, तो उन्होंने पब्लिक सर्विस के लिए एक लाइब्रेरी ओपन की है, बहुत दिनों की मेहनत के बाद आज ये दिन आया है, आज लाइब्रेरी की ओपनिंग सेरेमनी है, सब पहुंच चुके हैं और मुझे देर हो गई है इसीलिए वो मुझे डांट रही हैं। एक मिनट रुको, तो हम वहाँ पर चलें? क्या सच में? तुम चाहो तो वहाँ चलते हैं, मेरा भाई भी वहीं होगा इसलिए हमें हाँ, भी चलना जरूर आप चलिए, ये कितना अच्छा रहेगा, मुझे तो नहीं पता था कि आप जाएंगे, आपको देखकर पता नहीं सब लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। तुम्हारी मॉम का इम्पोर्टेंट दिन है तो तुम्हें वहाँ पर होना ही चाहिए, और हमेशा तुम ही तो कहती हो ना कि फैमिली इज वेरी इम्पोर्टेंट। जी सही कहा, चलते हैं फिर। मैं तुम्हारा झूठ नहीं बताऊंगा, कह दूंगा कि ऑफिस से आए हैं। ऑलराइट थैंक यू मिस्टर एमरे, ओह माय गॉड। मैं बस अभी बिल भर करा। प्लीज यहाँ पर रखिए। ओ आप देख रही है ना मिसेस बेतुल, ये कितना अच्छा है, हमें खुशी है कि आप ये वाला ना मेरा फेवरेट है। देखो जरा गार्डन को कितना सुंदर लग रहा है ना। हाय मिस्टर जान, कैसी हो तुम?
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे पास आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। सुनिए, द यूरोपियन लीग फुटबॉल गेम्स अब फ्री है, फ्री। और ये कोई सपना नहीं, सच है। आइए देखिए। ये क्या कर रहा है? लेडीज, हम आपको निराश नहीं करेंगे। फुटबॉल गेम शुरू होने से पहले आपको उस बहुत बड़ी स्क्रीन पर आपकी फेवरेट सीरियल दिखाई जाएगी। मिसेस विल्डन, जाते जाते आलू चाट छोड़ दीजिए। फिर से शुरू हो गया। पार्टी तो अभी शुरू हुई है। हमारे पास आपके लिए और भी बहुत कुछ है। ये सारे केक्स और पेस्ट्री से पेट मत भरिए। हमारे यहाँ बीबीक्यू पार्टी है, साथ में सॉसेजेस, ब्रेड और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी है, और सब कुछ फ्री है। यहाँ की बात करो ना। और ये रही हमारी ऑर्गेनाइजर, हमारी सबकी प्यारी और दुलारी मिसेस आयसू। मैं बस आ रही हूँ भाइयों बहनों, मेरा रखा हुआ खाना पेट भर के खाइए। ये सब आपके लिए है। खाओ पियो ऐश करो और मेरे साथ आकर जुड़ जाओ। मेरी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती है ना? तुम्हें मैं बताती हूँ, रुको जरा। मैंने इतने भुक्कड़ लोग अपने जिंदगी में कभी नहीं देखे। ये लोग सिर्फ खाने के लिए जी है। मैं याद रखूंगी। देखिए प्लीज, बुरा मत मानिए, पर जो हो रहा है वो होने दीजिए, है ना? जी जी, शांति से यहाँ से निकलो। ये कोई शार्प ऑब्जेक्ट है। चुपचाप, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। चलो चलो, ये लो ये लो, ये खा लो और शांत हो जाओ। मैं तुम्हें और क्या देती, ये लो कुछ खा लो। ये पेस्ट्रीज है, मैंने बनाई है, खाओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, रहने दो। अयान, तुम क्या कर रही हो? मुझे मारकर यहीं दफनाने वाली हो क्या? जी जी, लगता है तुमने मुझे बात या खून बह रहा है। जी जी, देखो मेरी तरफ। जी जी, बकवास करना बंद करो। मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? हम कोई और काम के लिए यहाँ आए हैं। किस लिए? सैबोटाज करने। हाँ, सैबोटाज, हाँ, हम कर सकते हैं। मैं तो रोज ही करता हूँ, वैसे सैबोटाज के बिना मैं एक भी दिन नहीं रह सकता। अच्छा बताओ, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है आयहान? अच्छा जी जी, तुम्हें पता है मिसेस मेवकी बे ने ये लाइब्रेरी खोलने के लिए कितनी मेहनत की है, कितना खून पसीना बहाया है? और मिस्टर जान भी यहाँ है, हर कोई मदद कर रहा है उनकी। सबने पूरी कोशिश की है, हम ये सेरेमनी को खराब नहीं होने दे सकते। तो हम जाएंगे और सब ठीक कर देंगे। केबल्स कट करेंगे अभी। ये जो बड़ा टीवी है ना, इसके केबल्स कट कर देते हैं, पर मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा उसका केबल है। मुझे लगता है ये हो सकता है। देखो, ये वाला होगा क्या? तुम्हें क्या लगता है? अगर तुम सैबोटाज करना ही चाहती हो तो कर दो। ये क्या है? ये ट्रिपल सॉकेट जैसा कैची लाओ। कैची? ये सारी कलर केबल्स, ये आसानी से कट हो जाएगा, देखना। अरे हाँ, वो लोग मूवीज में भी कलर केबल्स कट करते हैं। वो ऐसे कहते हैं ना, नीला या लाल। हाँ सही कहा, बिल्कुल वैसा ही। वो ब्लू वाला काटते हैं और फिर लाल। वो लोग खुद भी कंफ्यूज होते हैं कि किसे पहले काटा जाए, यू नो। पर यहाँ पर तो तीन कलर हैं। हाँ रुको, मुझे ज्यादा एक्साइट मत करो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो। क्या करो, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ कोई स्ट्रेस ही नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। तुम एक काम करो, 10 से काउंटिंग स्टार्ट करो। ओके, 10, 9, 8, 7, बहुत डेंजरस सिचुएशन है। 6, दुनिया की किस्मत तुम्हारे हाथ में है जेजे। 5, 4, come on जेजे, 3, 2, नहीं नहीं नहीं, ब्लू वाला नहीं काट सकते। 1, मैं नहीं देख सकती। अरे ठीक हो गया। अरे बाँच गए। ऐसा परामर्श लोगों के लिए बीबी की पार्टी कर रहे थे हम। सुन, थैंक यू सो मच, तुमने सेरेमनी में आकर ना मेरे यहाँ चार चांद लगा दिए। सबका पेट भर गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आओ इसके लिए तालियां बजाओ। आओ, तुमने यहाँ आकर सबका पेट भरा है, क्या बात है? तुम तालियां क्यों बजा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? मिस्टर एम्ब्रे, वेलकम। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो, नाइस टू मीट यू। कैसे हो? वैसे तुम्हें तो आना नहीं था, फिर तुम क्यों आई हो यहाँ पर? वो ऑफिस में बहुत सारा काम था तो आने में देर हो गई हमें। सच में? हाँ, वैसे काम तो इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। आइए ना, स्नैक्स लीजिए, आइए। हाँ हाँ, आइए, केक और पेस्ट्रीज लीजिए, आइए। भले ही कुछ ठीक नहीं है, पर मुझे आपको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहिए मिस्टर जान। किस लिए? फॉर एवरीथिंग।
ये सब कुछ आपके बिना पॉसिबल नहीं होता। नहीं, एक्चुअली तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैं कभी इस दुनिया से मिलता ही नहीं। तुम्हारी दुनिया काफी इंटरेस्टिंग है वैसे। बिल्कुल, कितना अच्छा था ना। लगता है दोनों एक दूसरे को काफी प्यार करते हैं। हम मोहल्ले में हैं इसलिए हमें दूर रहना चाहिए। भले ही हम लोग दोस्त हैं पर इन्हें कुछ और लगेगा। ठीक है ठीक है, बुक देख रही हूँ। इन दोनों की जोड़ी जस्ट मैं तुम किसी को नहीं कहोगी। अगर किसी को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। मैं ऐसी नहीं हूँ मैफ की बे, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। तुम मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो। रुको, कहाँ जा रही हो? नहीं, मुझे जाना है, बाय। मुझसे बात मत करो, ठीक है? चलती हूँ मैं। ये लड़का मुझे खास पसंद नहीं आया है। मुझे ऐसे मत देखो, मैं किसी से कहाँ भागी जा रही हो? रुको जरा, तुम बहुत कोशिश करती हो कि मैं हार जाऊँ, नाकामयाब हो जाऊँ, पर ऐसा नहीं होता और मैं जीत जाती हूँ। ओह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुमने सनम और मुजफ्फर की शादी क्यों नहीं होने दी। तुम्हारी बेटी की नजरें तो दूसरे सितारों पर है। पर अच्छा है ना, तुम बहुत होशियार हो। अब क्या लैला भी उसके भाई के साथ लगी हुई है? ये कितना अच्छा प्लान है ना तुम्हारा, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई सच में। क्या बकवास कर रही हो, अपनी जुबान संभाल के बात करो जरा। सासू माँ निकली दूल्हे का शिकार करने। पर तुम नाराज मत होना, ये अच्छी ही तो बात है। जल्द से जल्द सबको पता चल जाएगा। सुन, ये सबको बता देगी तुम्हारे घर में क्या खिचड़ी पक रही है। क्या बोले जा रही है? तुम्हारी तुम्हें बिना बताए ही शादी कर लेंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये कितना खूबसूरत है। मैं तो पूरी जिंदगी किताबें पढ़ सकती हूँ। आपको भी ऐसा लगता है क्या? लगता है। मुझे हरी भरी जगह, पार्क में किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। जैसे कि मैं चलते चलते भी किताबें पढ़ सकती हूँ। बहुत सारी रोमांटिक किताबें पढ़नी है, उन्हें महसूस करना है। एक जिंदगी के लिए ये काफी नहीं है। हाँ, हाँ, किताबें पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ेगी, पर शायद तुम्हारी जिंदगी ही रोमांटिक किताब बन जाए। ये क्या है? गालापागोस, ये वही जगह है ना जहाँ तुम जाना चाहती हो? गालापागोस तुमने पढ़ी है? नहीं, नहीं पढ़ी है। ये किताब 1 मिलियन ईयर्स पुरानी है, तुम्हें अच्छी लगेगी, आई नो। पढ़ लो। 1 मिलियन ईयर पुरानी? कैसे? टू सनम, उस प्यार के नाम जो 1 मिलियन ईयर याद रखा जाएगा। तुम्हारा सीटमेट जी, कैसे? मुझे ये बुक पता नहीं है, पर हाँ, पर मुझे ये पता है कि हम एक ऐसा सब्जेक्ट बनने वाले हैं कि ये बातें हमारे मोहल्ले में सालों तक चलेंगी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। हाँ, चुगली करना तो वो लोग कभी नहीं चाहते। फिर तो उनके लिए काफी नहीं रहेगा। चलो चलो बाहर। तुम ना किसी टीवी सीरियल के कैरेक्टर जैसे हो। शुक्रिया, मैंने आपके लिए खुद किताबें चूज की है, ये पढ़ने के बाद आप भी वो पढ़ सकती है। हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। इमरे भाई, व्हाट्स अप? कुछ नहीं, हमने 7 महीने का प्लान किया। गुड। ये लो भाई, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो बोर हो गया हूँ। तुम भी बोर हो गए हो क्या भाई? क्या तुम्हें भी कोई अकेला छोड़कर चला गया? मुजफ्फर, तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया तुम्हें? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हो सकता है मुझे, अब क्या बताऊँ? मेरी अंदर से हालत बहुत ही खराब है, लेकिन मैं ये बात किसी को बता नहीं सकता ना। ये चीज तो हमेशा मेरे साथ होती है, मोहल्ले के लोग हमेशा मुझे नजरअंदाज करते हैं। मुजफ्फर, तुमने लगता है ज्यादा पी ली। हाँ पिया है, नींबू पानी पिया है।
ये नींबू पानी है क्या? मैंने बोला ना तुमसे, तुम्हें भी यकीन नहीं हो रहा क्या? मैंने नींबू पानी के 24 ग्लास पिए हैं, पर कितना भी पी लूं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस्मान। भाई तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ उस्मान? प्यार कर रहा हूँ। प्यार करना कोई गलत बात है क्या? बहुत प्यार करता हूँ, और लोग कहते हैं कि हद से ज्यादा आशिकी लोगों को पागल और अपाहिज बना देती है। सही कह रहे हो। सही कहा ना मैंने? मुझे बहुत ही अकेला महसूस होता है और मुझे आशिकी के लिए सनेम चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अरे आराम से, क्या कर रहे हो तुम मुजफ्फर, बस करो। काश तुम्हारे जितना प्यार मुझे कोई और दिखाता तो ये नौबत नहीं आती, पर यहाँ तो मैं जीऊँ या मरूँ या कुछ भी करूँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह तुम मुझे इसलिए समझ पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी हालत भी मेरी तरह है उस्मान, पर हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, हम शेर हैं, शेर शेर है उस्मान। शेर का तो मुझे पता नहीं, पर जो हो रहा है वो पता है। अब आप क्या खेल खेल रहे हैं मेरे साथ? लैला के साथ आप यहाँ क्यों आए? और ये सब अच्छा होने का नाटक आप कब से करे जा रहे हैं? कुछ तो पता लगाना पड़ेगा। मेरी नजर आप पर है एम्ब्री डेविड, मैं बस आपके एक गलती की राह देख रही हूँ, फिर आप देखते जाओ। बेटा तुम्हें नींद नहीं आ रही है, टाइम देखो जरा। मैं सो जाऊंगी मॉम, जल्दी सो जाऊंगी। बेटा हम बहुत थक गए, पर आज बहुत अच्छा लगा है ना? हाँ, तो अभी आपको चुगली करनी है मॉम। सब कुछ कितना परफेक्ट था ना, और इन पड़ोस के लोगों के लिए एक चीज अच्छी हो गई, आपने बहुत अच्छा काम किया। भाई तुमने काफी सारी बुक्स लाइब्रेरी को दी हैं? नहीं इतनी नहीं, हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना अच्छी बात है। तुमने मिसेस मैथकीबे के प्रेसिडेंसी कैंपेन के वक्त भी बहुत सपोर्ट किया था। तो मुझे ये बताओ कि तुम और सनेम आखिर कितने क्लोज हो, क्या चल रहा है तुम्हारे पीछे? मुझसे छुपाना मत भाई, तुम उसे चाहते हो ना, प्यार करते हो ना उससे? आयसन को अपना मुंह बंद रखना चाहिए, जलन के मारे पता है क्या क्या कह रही थी, तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बारे में बहुत कुछ कहा उसने, पता है? क्यों, क्या कह रही थी वो, बताओ ना। तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बहन के बारे में, मिस्टर जॉन के बारे में, मिस्टर एमरे, तुम सबके बारे में कहा उसने, और मैं उसकी बकवास रोक ही नहीं पाई वहाँ। हाँ सही है मेरी बच्ची, तुम्हारे और मिस्टर जान के बीच में कुछ खास चल रहा है क्या? नहीं, क्या मॉम, हम सिर्फ दोस्त हैं। हम सिर्फ दोस्त हैं। सच में, जैसे तुम और उस्मान सच्चे दोस्त हो वैसे ही? हाँ नॉट एग्जैक्टली, बट फ्रेंड्स ही है, मतलब थोड़ी क्लोज है, बस क्लोज फ्रेंड्स है। दो दोस्त जो एक दूसरे के प्यार में है, पर तुम उसके इतने क्लोज कैसे हो गए मुझे समझ नहीं आता। तुम दोनों एक दूसरे से काफी अलग हो मेरे भाई। हाँ भले ही उनकी परवरिश एक अलग तरीके से हुई है, वो अलग माहौल में पले बढ़े हैं, पर फीलिंग्स तो जरूरी है ना। उनका दिल बहुत अच्छा है, वो बहुत साफ दिल के इंसान है। वो काफी स्मार्ट है और उसे वो हर चीज नजर आती है जो मुझे कभी नहीं आएगी। हाँ उसकी कुछ हैबिट्स काफी अजीब है। मुझे उनकी कुछ चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत गुस्सा आता है। वो एकदम धीर किस्म के इंसान है, जैसे कि एक बार कोई फैसला ले लेना तो उससे कभी मुकरते नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए फिर। पर हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रह लेते हैं। तुम जरा मेरी नजरों से देखो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? हम भी इस दौर से गुजरे हैं, मुझे पता है कि तुम प्यार में हो। तुम दोनों एक दूसरे को जैसे देखते हो ना, सब पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। बिल्कुल नहीं, आप क्या कह रही है, सच में, क्या आपको सच में ऐसा लगता है? पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, आपकी सोच गलत हो सकती है मॉम, हम सिर्फ दोस्त हैं। वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी स्टोरी में क्या हो रहा है, लैला और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। और मिस्टर एमरे का क्या चल रहा है, मुझे ये चक्कर समझ नहीं आया, बताओ कि क्या चल रहा है? मॉम आपने मिसेस आयसन की बातें कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले ली है, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मुझे पता है वो प्यार में है, मुझे यकीन है तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रही हो, सच बताओ। मामा आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? जिस तरफ से तुम दोनों एक दूसरे को देखते हो, और वैसे भी मुझसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है तुम बता सकते हो। लैला एक बहुत हार्ड वर्किंग और काफी वार्म हार्टेड लड़की है सच में। हाँ इसीलिए मैं उससे बहुत अट्रैक्टेड हूँ, वो काफी अच्छी लड़की है, उसका दिल बहुत साफ है और वो मुझे अच्छाई की तरफ खींचती है। मैं सच कह रहा हूँ, आइलिन को छोड़ के तुमने बहुत अच्छा किया सच में, तुम उससे दूर रहो वही अच्छा है, लैला तुम्हारे लिए परफेक्ट है। हाँ मैं भी खुश हूँ, मुझे खुशी है कि मैं आइलिन से दूर हो गया।
मुझे एक और ग्लास चाहिए, मैंने आज बहुत सारे टैंजरीन्स खा लिए, मुझे पता तुम मुझसे ज्यादा खा सकते हो, बट नेवर माइंड। थैंक यू भाई। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ना ये एम्ब्रे बिल्कुल पसंद नहीं है, बस ये फिक्र है कि लैला को हर्ट ना करे। तुमने देखा वो कैसे देखता है, ऐसे ऐसे करके देखता है इधर उधर, बहुत चालाक है। अब सच में मैं उन्हें अच्छे से नहीं जानती, मुझे नहीं पता। देखो बेटा, मैंने और तुम्हारे पापा ने भी प्यार किया था, फिर हमने शादी की थी, और मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, अच्छी जगह शादी हो, है ना? मतलब मिस्टर जॉन एम्रे की वजह से आई सुन तुम्हारी इधर उधर बातें ना करे। तुम दोनों मुझे बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हारी बदनामी नहीं देख सकती। मॉम ठीक है, पर आप उन्हें इतना सीरियसली मत लो। बेटा मैं नहीं चाहती कि हमें आयसुन जैसी को कोई इस तरह का मौका देना चाहिए कि वो बातें बनाए। देखो सुनो, तुम ऐसे किसी लड़के के साथ नहीं रहोगी जो तुम्हें हर्ट करे, चाहे वो मिस्टर जान हो या तुम्हारी बहन के साथ वो मिस्टर एमरे हो। मुझसे ये प्रॉमिस करो कि ऐसा कुछ भी नहीं करोगी तुम। ठीक है माँ, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी हर बात मानूंगी, आपको कभी निराश नहीं करूंगी, आपको हमेशा खुश रखूंगी। देखो मैं तुम्हें किस देना चाहती हूँ, पर मैं नहीं झुक सकती, तुम्हें ही ऊपर आना पड़ेगा। अब आप एक किस दोगी? ओ गॉड, मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी। मिस्टर जॉन, हमारे साथ वक्त बिताने के लिए थैंक यू सो मच, ये मीटिंग बहुत जरूरी थी। इट्स माय प्लेजर, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सोशल कॉन्शियसनेस के लिए इतने एफर्ट्स लिए। मैं आपके प्रोजेक्ट्स को काफी लंबे टाइम से सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे इसमें शामिल होकर खुशी मिलेगी। मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ, आप बस बता दीजिए। वेल थैंक यू सो मच, हमें आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, आप एक अच्छे रोल मॉडल हैं। अब तक हम एजुकेशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, अब हम हेल्थ केयर पर काम करने वाले हैं, हम इसके बारे में भी आपको अपडेट करते रहेंगे, और अगर आप चाहें तो आप भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, हमें अच्छा। वंडरफुल वंडरफुल, मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, आपकी एक्टिविटीज में भी पार्ट लेंगे, हम आपको एक कंपनी की तरह सपोर्ट करेंगे, अगर आप चाहें तो नेक्स्ट मीटिंग में डिसाइड कर लेंगे। थैंक यू सो मच, हमें आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, आप एक अच्छे रोल मॉडल हैं। यस वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच वंस अगेन, उम्मीद करता हूँ जल्दी मिलेंगे। चलिए मैं आपके साथ बाहर तक आता हूँ, मुझे एक कैटलॉग शूट के लिए जाना है। थैंक्स मॉम, पियो बेटा पियो। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। मॉम ने आपको भी गुड मॉर्निंग कहा है। थैंक यू, कम से कम उसने मुझे ग्रीट तो किया, ये अपनी माँ से कहो जरा। डैड वो आपको सुन सकती है, बस वो आपसे बातें नहीं करती। नहीं बेटा ऐसे नहीं है, तुम उसे कहो जो मैंने कई बार कहा है, कई बार कहा है, बोलो। वो कह रही है मुझे अब और कुछ नहीं सुनना, प्लीज नाश्ता कीजिए, चुपचाप नाश्ता कीजिए। अब बस हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे कोई मूवी देख रहा हूँ, अलग अलग लैंग्वेजेस में, जो पता ही नहीं मुझे। पर डैड आपको पता है वो चुप रहती हैं जब आप कोई गलती करते हैं। अरे यार मैंने क्या किया, क्या किया मैंने, अब क्या किया मैंने, मुझे बस साफ पैजामा पहना था और डिनर के लिए सूप पीना था, मेरी हर चीज अब गंदी हो गई है, 3 हफ्ते हो गए, तुम जानती हो, देखो तो, क्या ये सब तुम्हें दिखाई नहीं देता? नहीं नहीं उसे मेरी परवाही नहीं है, और क्यों करेगी, अब वो प्रेसिडेंट है, मैं कौन हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ये फैमिली का हेड हूँ और मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तुम्हें समझ में आया मिस मेविके बे द प्रेसिडेंट? हाँ, अब मैं वाकई में पागल हो गया हूँ। डैड ये आपने क्या कर दिया, अब वो बात भी नहीं करेंगी और अब से मैं भी आपके लिए ट्रांसलेशन नहीं करने वाली। ठीक है ऐसा मत करो, वो सबसे बात करती है पर मुझसे नहीं। काश मैं आपके बीच में सब कुछ ठीक कर पाती, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। हाँ मुझे भी लेट हो रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। ओके ठीक है, अब तक तो सब कुछ सही रहा, एक बार वापस पीछे मुड़ना और अपनी बैग को पीठ पर रखो।
ओके आप क्विकली मेरी तरफ मुड़ो, ठीक है ओके okay, यही एक्सप्रेशन रखो, वेरी गुड ओके मुड़ो, पर पीछे से ये ठीक करो, ठीक है तुम जा सकते हो, नेक्स्ट प्लीज, यस मिस्टर जान, चलो ओस्मान आजा, मिस्टर ओस्मान आपको चेंज करना होगा, कॉस्ट्यूम्स मेकअप सब कुछ अच्छा करना होगा, ठीक है एक सेकेंड, हाँ तुम जानते हो तुम्हें क्या कर रहा है, तुम एक्सपीरियंस हो, चलो देखिए हम ऐसे ही रहते हैं, देखिए ये इतना मुश्किल है, जे जे अपनी मोटिवेशन स्पीच बंद करो, तुम वहाँ सही लग रहे हो पर अभी बाहर आ जाओ, मिस्टर जान सनेम क्या हमें स्टोरी बोर्ड ऑर्डर फॉलो करनी चाहिए, नो नो चेंजेस, अगर जरूरत पड़ी तो आई विल टेल यू, तो चिल्ला क्यों रही हो, मुझे स्ट्रेस क्यों दे रही हो, क्यों मैं तुम्हें बताता हूँ सनेम, क्या मैं उस्मान के सामने अजीब बिहेव करता हूँ, आई मीन मेरे और आयहान की वजह से, शायद मैं उसके सामने कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट करने लगा हूँ, हाँ तुम अजीब बिहेव करते हो, हमेशा ही अजीब बिहेव करते हो, पर ये तुम्हारा नॉर्मल है सो डोंट माइंड, ठीक है ऐसे देखो जैसे तुम बहुत दूर देख रहे हो, हेलो मैडम कैसी हैं आप, ओके वेरी गुड उस्मान, ओके अब तुम जंगल से आ रहे हो, तुम बस स्माइल दो, ठीक है स्मार्ट तो दिख रहे हो, तुम्हारे डबल डिंपल्स दिखाओ, अब लड़कियों को पसंद होते हैं है ना, राइट गुलिस, हाँ बिल्कुल, ओके अब स्माइल करो, अच्छा ठीक है ये लुक होल्ड करके रखो, वेरी गुड, मिस्टर जान, मिस्टर जान सुनिए ना, वो मेमोरी कार्ड भर चुका है, क्या मैं विजुअल्स के ही और ट्रांसफर कर दूं, सनम तुम प्रोफेशनल हो, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, जो मन करे वो करो, सो यू ट्रस्ट मी गामजे, ये लड़की हमेशा मिस्टर जॉन के साथ क्या करती है, उसका क्या नाम है, सनम वो बहुत एम्बिशियस है और एक अच्छी असिस्टेंट है, बहुत ही काम करने वाली उस टाइप की है, वो बच्चों जैसा बिहेव करती है, लेडीज मैं यहाँ हूँ, आप थोड़ा राइट साइड मूव हो जाएंगी, वो क्या है ना आप एकदम से लाइट के सामने खड़ी है और वहाँ शूटिंग चल रही है तो डिस्टर्ब हो रहा है, अब ठीक है, नहीं राइट साइड, राइट राइट साइड, ओके आप कैसा है, नहीं अभी भी थोड़ा लेफ्ट में खड़ी है, आप पीछे जाइए ना, पीछे पीछे लाइट ब्लॉक नहीं होगा, पीछे जाइए, पर हम लाइट ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, ये सही है, अच्छा अगर आप कह रही है तो, सनम मैंने देखा नहीं पर सुना तुमने अच्छा डिसीजन लिया, ब्राइटनेस अच्छी आ रही है, हाँ इट्स परफेक्ट, हाँ अच्छा लग रहा है, ओके उस्मान आई थिंक दैट्स इनफ, एक ब्रेक ले लेते हैं, तुम अब नए कॉस्ट्यूम्स पहन लो, चलो जल्दी करो, हमें शाम से पहले रैप करना है तो सब कुछ जल्दी खत्म करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, चलो चलो, सनम तुम्हारा डिसीजन वाकई काफी अच्छा था, वेरी गुड, देखो तुमने मूव करने कहा उसके बाद ही ये क्लिक्स मिले, हमारा लाइट ब्लॉक मत करो, पीछे जाकर खड़े रहो बस, जॉन सब बहुत अच्छा चल रहा है, यस थैंक यू, अब जब ब्रेक ले ही लिया है तो उम्मीद करती हूँ आप अपना प्रॉमिस निभाएंगे, आप मेरी पिक्चर्स लेने वाले थे, हाँ ब्रावो हम ये कर लेंगे, मैं भूला नहीं हूँ, ओह मैंने आते हुए बाहर एक झूला देखा है, क्या हम वहाँ पर चले, बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है कि हमें ये फोटोशूट रात तक खत्म करना है, आप एक काम कीजिए आप यही फोटोशूट कर लीजिए, मैं उसे बाद में माउंट कर लूंगी, मतलब आप और झूला, ओ ऐसा कैसे होगा, ऑफ कोर्स क्यों नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी है ना, जैसे कि कोई औरत जिसकी कुएं जैसे पैर है, जिसे रिंकल है, मैं उसे फोटोशॉप में लेकर एकदम यंग बना सकती हूँ, आजकल तो टेक्नोलॉजी से जो चाहे मिल जाता है, मैं ये सब कर सकती हूँ, आई एम सो सॉरी, मुझे गलत मत समझिए, मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप बुद्धि है, जॉन तुम क्या कर रहे हो, वैसे जब मैं यहाँ आया तो बाहर बारिश हो रही थी और लाइट भी थोड़ी कम थी, हमें अच्छे फोटोज नहीं मिलेंगे, पर अभी हमारे पास यहाँ पूरी प्रोडक्शन टीम है तो हमें इसका फायदा उठाकर बाहर अच्छे से शूट करना चाहिए ताकि हमें अच्छी लाइट्स भी मिले, क्या कहती हो, तुम जैसा कहोगी वैसा करेंगे, ठीक है मैं अपने साथ कुछ कपड़े लाई हूँ, मैं उन्हें पहन लेती हूँ, ओ अच्छा पूरी प्रेपरेशन के साथ आई हो, ठीक है चेंज कर लो, व्हाटएवर, देखिए आपको लेट नहीं होना है, शाम में हमेशा ट्रैफिक जैम रहता है, हमें ये शूट उससे पहले खत्म करना है, अच्छा सुनो ना इसका मेमोरी कार्ड बदल दो प्लीज, हाँ जरूर, देखो मुझे नहीं पता कि तुम ये ठीक कर रहे हो या नहीं, और ये कमर्शियल मोमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ मैं ये जानता हूँ, तुम सच में ऐसा करोगे या मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए, चलो बैठ जाओ,
प्लीज प्लीज बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी और इस कंपनी की बहुत फिक्र है। मैं सब जानता हूँ। देखो मुझे बस इसकी फिक्र है कि बाद में क्या होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। सब कुछ कंट्रोल में है। ओके ठीक है, जैसा तुम चाहो, पर मैं ये कहूँगी कि ये जरूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये रिस्क लेना बिल्कुल सही नहीं है। अगर कहीं भी कुछ गलत हो गया तो क्या करेंगे हम लोग? सुनो, कभी किसी पे भी भरोसा मत करना बिना गारंटी। मुझे बस खुद पर ही भरोसा है, मैं बस यही कह सकता हूँ। उस्मान, मैं यकीन नहीं कर सकती, ये तो बस बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। सच में अच्छा लग रहा हूँ? हाँ? तुम्हें पता है हमेशा ट्राउजर्स के लिए मैं टेलर के पास जाता हूँ, फिर भी कभी भी मुझे इतनी अच्छी फिटिंग वाली पैंट नहीं मिलती। शर्ट तो वो ठीक से सिल देता है पर पैंट कभी नहीं सिल पाता, कभी टाइट तो कभी लूज, कभी छोटी कभी बड़ी। नहीं। मेरा टेलर मुझे बहुत लूटता है पर आज से मैं उसे लूटूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? अच्छा सुनो ना, शूटिंग के बाद क्या हम कैफे चले? तुम्हारा जल्द ही जल्द काम खत्म हो जाएगा, क्या कहते हो? व्हाट्सअप जेजे, तुम थोड़ा शांति से काम क्यों नहीं करती? बहुत फास्ट चल रही हो, एक्सीडेंट हो जाएगा। बकवास बंद करो जेजे, बकवास बंद करो। उस्मान, हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि हम कॉफी पीने चले बाहर, थोड़ी मस्ती करते हैं, ठीक है? मुझे नहीं पता, वैसे मुझे काम पर लौटना चाहिए, एक ऑर्डर है, मुझे काफी मीट तैयार करना है एक कबाब रेस्टोरेंट के लिए, बहुत बड़ा ऑर्डर है। तो तुम बाद में कर लेना, पहले चलो ना मेरे साथ, चलो चलो। जेदा की परेशानी खत्म नहीं हुई कि गांव से की शुरू हो गई। मेरी जैसी बिजनेस वुमन ऐसी प्रॉब्लम्स पर कैसे फोकस करे भला? नहीं, ये अनप्रेडिक्टेबल है। मिस डेरेन, हम सब आज कॉन्सेंट्रेटेड है, आज का दिन काफी अच्छा है, बस सब कुछ अच्छा रहे। हाँ अच्छा है, मुझे भी यही लगता है जेजे। यस मिस डेरेन। मुझे ये मिल गया, आपको नहीं लगता ये अच्छा लगेगा? हाँ, ये सूट करेगा, तुम ट्राई करना चाहोगी? क्या चाहे? अरे ये बिल्कुल एक कैंपेन जैसा लगेगा। सिनेम, तुम ये क्या कर रही हो? सिनेम नहीं, मेरा नाम सानेम है। ओके ओके समझ गई। मेरा नाम याद करना इतना डिफिकल्ट है? ये उस औरत के साथ आखिर कर क्या रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या है वो? मेरे पास एक और आइडिया है, क्या मैं ये कर सकती हूँ? माय गॉड, हाँ ये सूट करेगा। जैकेट नीचे गिर गया, ये पीते हुए फोटो खींचते हैं। बहुत अच्छा है। वंडरफुल। हाँ यहाँ धूल है मिस्टर जान। वो ब्लैक है इसीलिए। क्या ये आपने नया खरीदा? इसके पीछे काफी लंबी स्टोरी है, मैं बाद में बताऊंगा। हाँ जब आपके पास वक्त होगा। हाँ। मैं शूट कर रहा हूँ, रुको। गॉड ब्लेस यू। मिस्टर जान क्या ये लाइट सही है? सॉरी सॉरी मिस्टर जान। वेरी नाइस। ओह इट्स वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल। ओह थैंक्स डियर, थैंक यू मिस्टर जान। Oh, that's my pleasure. No worries. ये आपके लिए कितनी अच्छी मेमोरी है ना कि मिस्टर जान ने आपकी फोटोज ली। सो ब्यूटीफुल। वैसे ये किसी के लिए ऐसा नहीं करते। हाँ सच में ये ऐसा कुछ नहीं करते, कितनी अच्छी बात है। यू आर सो एलिगेंट। अच्छा आप थक गई होंगी, आप कुछ पीना चाहेंगी हमारे साथ? हाँ सुपर। हाँ जब से मैं यहाँ आया मैंने कुछ पिया ही नहीं है, एक चाय परफेक्ट रहेगी। लाइए मुझे दीजिए, मुझे फोटोज ट्रांसफर। चलो चलते हैं, वायर का ध्यान रखना। गायब हो गई। पर कैसे, ऐसे कैसे गायब हो सकती है? पर सब फोटोज गायब हो गई। अभी तो सारे फोटोज क्लिक किए थे सनम। मिस्टर जान ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, फोटोज आपने ली ही नहीं है। यहाँ ऐसे तो सारे फोटोज हो गए। कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे जॉब में ऐसी मिस्टेक एक्सेप्टेड नहीं है। एनीवे अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें शांत रहकर दोबारा सब शूट करना होगा। मुझे माफ कर दीजिए पर ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ, टेक्निकल एरर है। हाँ अब जाने भी दो, जो होना था सो हो गया, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना? फिर भी ये बहुत अच्छी बात है कि सच में मिस्टर जान ने आपकी फोटोज ली है। हाँ सच में सो इम्प्रेसिव, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, ऐसा एक्सपीरियंस सबको नहीं मिलता।
चलो चलो, ये ब्रेकअप खत्म हो गया है मिस्टर जान, हमारी सारी मॉडल्स रेडी। गामसे, उन्हें अंदर ले जाओ। ओके मिस्टर जान। ओह, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या बेतुल और तोलगा ने सच में शादी कर ली? पर वो दोनों तो स्कूल से एक दूसरे को हेट करते थे। जैसे कि सब कहते हैं, प्यार की शुरुआत हमेशा झगड़े से होती है। यस, इट इज ट्रू। और तुम, तुम्हारा क्या सीन है बता? नथिंग। तुम जैसी खूबसूरत लड़की। हाँ, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं। ओ, क्या बात है मिस्टर जान, आप ये कैसे कर लेते हैं? मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा, ठीक है? तुम टेंशन मत लो, पर मेरी एक कंडीशन है। तुम कहाँ से हो ये बताओ पहले। ये मैं नहीं बता सकता मिस्टर जान, I'm sorry, मैं ये नहीं बता सकता। ये सीखना है या नहीं? मुझे सीखना है। ओके जय जय। खास दोस्तों, एलिमेंट्री स्कूल के दोस्तों, वो पुराने दिनों को याद करने में कितनी खुशी मिलती है। स्वीट चैट्स पर मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, पर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो हमें काम पर वापस लगना चाहिए। एम आई राइट? हम सबकी पर्सनल लाइफ है, फैमिलीज है। मिस्टर जान प्लीज प्लीज, ये कौन है? हा? क्या ये कितना गंदा है, प्लीज इसे यहाँ से उठाकर वहाँ पर रखो, प्लीज हटाओ ये सारी चीजें, सब बिखरा पड़ा है। ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे बॉस तुमसे प्यार करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम आ गए मिस्टर जान, बोलिए। वहाँ चेयर पर एक ऑरेंज कलर का तकिया है और एक रेड कलर का मैट, उसे एक टेंट के आगे और उसके ऊपर एक कलरफुल पिलो। ये कलरफुल पिलो तुम्हारे बगल में होगा और वो वुड थोड़े करीब होगा। याद कैसे रखती है, समझ नहीं आ रहा मुझे। मुझे लगता है उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है। हाँ, उसके पास है। और वो क्रीपर का पोस्टर उस तरफ राइट साइड में, टेंट के साइड में। ये एग्जैक्टली वैसा जैसे पहले फोटोज में था। फोटोग्राफिक मेमोरी, मुझे पता है तुम वाकई बहुत टैलेंटेड हो, मुझे नाज है तुम पर। व्हाट अ मेमोरी, सीरियसली। वो क्रीपर क्या है, मुझे समझ नहीं आया। क्रीपर एक बर्ड है, 12-13 सेंटीमीटर का। ओके। और हाँ, वो एक सिंगिंग बर्ड है और वो जंगल में रहते हैं और उनकी चोंच ऐसे बड़ी और कर्व होती है और उनकी पूंछ काफी फ्लफी होती है। अच्छा, समझ गया। ओके ओके, क्या हम काम शुरू कर सकते हैं? आई फील सब रेडी है, चलो। सनान सुनो, थोड़ा हम्बल रहना प्लीज, वैसे मत करो यार, रिलैक्स, बॉडी को लूज छोड़ो, अपने आर्म्स फ्री रखो, स्ट्रेच करो थोड़ा। हाँ, आप उसके ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? प्रेशर, वो भी मैं? हाँ, उसके ऊपर मैं स्ट्रेस डाल रहा हूँ। मुझे लगता है वो आपकी वजह से स्ट्रेस। मेरी वजह से स्ट्रेस्ड है? क्यों? मुझे लगता है वो हमेशा ऐसे ही रहता है, उसका स्टाइल ही ऐसा है। वो मेल मॉडल्स जो कभी स्माइल नहीं करते, कूल बनते हैं, यू नो, उनको लगता है कि एटीट्यूड मारने में ही सब कुछ है, ये उनमें से एक है। मैं तो बस उसे सुधारना चाह रहा हूँ, और कुछ नहीं। हाँ, और नहीं तो क्या, तुम ही देखो ना वो कितना एटीट्यूड में रहता है, जब देखो तब। वो नेचुरली स्ट्रेस्ड है, जो दूसरों को भी स्ट्रेस में डालता है। सनान यहाँ देखो, अब सोचो कि तुम्हारा जंगल में एक भालू के साथ झगड़ा हुआ है और तुम्हें उसका सामना करना है, वो एक्सप्रेशन आना चाहिए, ठीक है? तुम उसे थोड़ा चेंज करो, नेचुरल रहो, रिलैक्स रहो, अपने बॉडी को यू नो लूज छोड़ो। अब एक सर्वाइवर हो तुम, तो तुम्हें वो एटीट्यूड लाना होगा, ठीक है? तुम एक सर्वाइवर हो तो वैसा बिहेव करो। मुझे लगता है आप सिनान से जलस हो रहे हैं। मैं? वेरी गुड वेरी गुड। ओके सिनान, सिनान अब तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने चीटिंग की है और टीचर ने तुम्हें पकड़ लिया है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम ऐसे रिएक्ट करना कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। और मैं उससे जेलस क्यों होऊंगा? हाँ, क्यों जलूंगा उससे? तुम बताओ ना, कोई वाजिब कारण है? क्योंकि वो हैंडसम है। तुम्हें लगता है वो हैंडसम है? नहीं नहीं, मैं नहीं कह रही, आपको लगता है कि वो हैंडसम है। सुना, यू नो व्हाट, मैं कैसे समझाऊं? लेट मी पुट इट दिस वे, दुनिया में ढेर सारी चीजी हॉरर मूवीज हैं जो लो बजट की हैं, और तुम उस मूवी के मेन कैरेक्टर हो, तो अब अपना फेस चेंज करो, अपना पोस्टर चेंज करो, चलो। तुम्हें सच में ये इंसान हैंडसम लगता है? हाँ। अच्छा, ज्यादा हैंडसम कौन लगता है तुम्हें? आप।
वेल मेरे लिए सिन्हान हैंडसम नहीं है, आपने जब मुझे ये पूछा तो मैं एक्साइटेड हो गई। ओह शिट, अब मुझे शर्म आ रही है। माय डियर सिन्हान, प्लीज तुम ऑफेंड मत होना, पर मुझे जो चाहिए वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम बेहतर बनो। मुझे माफ कर देना, पर तुम बहुत अच्छे हो, पर प्लीज अपने बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करो। हाँ, तुम थोड़ी देर के लिए चिल कर लो। वो क्या होता है ना, कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है तो हर एक एक्सप्रेशन बहुत क्लियर कट समझ में आ जाता है, इसीलिए रिलैक्स करो। चलो एक और बार ट्राई करेंगे। अच्छा सनम सुनो, मुझे तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, समझ रही हो? हाँ ठीक है, चलो मुझे थोड़े और फोटोज लेने। मुझे लगता है आपकी बोट डूबने वाली है। ओह डियर, कोई तूफान मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। पर जैसा कि आपको दिख रहा है, जान सनम के साथ काफी बिजी है। हाँ मैंने नोटिस किया है। तो फिर बेचारी उस लड़की का भी माइंड सिर्फ मिस्टर जॉन में बिजी रहता है। मुझे लगता है उसे काफी तकलीफ होती है। क्या कहा? उसे बुरा लगेगा जब मैं उसकी जगह जॉन के साथ रहूंगी। बेचारी, मतलब इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह रही हो आप? मतलब आप जॉन पर फोकस कर रही है ना? तुम्हें तो पता ही है जो मुझे चाहिए मैं उसे हासिल कर ही लेती हूँ। ब्रावो, इट्स ओवर, ये टॉर्चर खत्म। मैंने जो भी कहा उससे ऑफेंड मत होना, ठीक है? ओके गाइस, हमारा आज का शूट हो गया है, पैक अप करते हैं। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था भाई, कहाँ थे? सब ठीक है? क्या हुआ इमरे? फाबरी का लॉयर आया, वो अपने साथ कुछ लेकर आया है। वो लोग क्या चाहिए उन्हें? वो कुछ भी नहीं बताया। हाय, आप मुझसे मिलना चाहते थे? जॉन डेविड? हाँ मैं ही हूँ। हेलो। हेलो, मैं एंजो फाबरी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। सीनियर फाबरी चाहते हैं कि मैं ये सब हैंडल करूँ। मैंने उसके लिए चेक साइन कर दिया था, अब क्या प्रॉब्लम है? हाँ, वो चाहते हैं कि वो आप वापस ले लें। हम कल कैश भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, जैसे वो चाहे। नहीं नहीं, सीनियर फाबरी आपसे कोई भी और किसी भी तरह का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या कहना चाह रहा है वो? वो अपने शेयर्स नहीं बेचना चाहते, वो अभी भी आपके बिजनेस पार्टनर बने रहना चाहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मजाक बना रखा है क्या इसने? मैं क्या चल रहा है? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, मैं बस आपको आपका ये चेक लौटाने आया हूँ। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा, पर बॉडी लैंग्वेज काफी स्ट्रेस मुझे लग रही नहीं है। समझ आ रहा। क्या बकवास लगा रखी है इसने? हाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? क्या बोल क्या रहा है ये? समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ? हाँ आखिर वो समझता क्या है खुद को? वो बहुत अपसेट लग रहे हैं, क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? तुम इन्वॉल्व मत हो, मैं उन्हें इशारे में कह रही हूँ कि काम डाउन हो जाओ, फिर मैं जाऊंगी, सब जान लूंगी, तब यहाँ आकर बताऊंगी। तब तक तुम सब लोग अपना काम करो, समझ रहे हो ना? कोई यहाँ खड़ा नहीं रहेगा। क्या कहा गेम? अगर वो जाकर पूछेगी तो जरूर आंसर देंगे। सही कहा। वो ऐसे कैसे कंपनी का हिस्सा रह सकता है? कैसे पॉसिबल है ये? इतना इजी नहीं है, कोई तो रास्ता होगा ना? भाई जस्ट काम डाउन, हम हमारे लॉयर्स को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं ना। मिस्टर जॉन क्या हुआ? कुछ नहीं डैरन। क्या मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ? नहीं डैरन, नहीं नहीं। ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं मेरे रूम में ही हूँ। ओके, मुझे उस आदमी से बात करने दो, अब श्योर हूँ मुझे बताएगा उसे क्या चाहिए। नो आंसर। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, समझ रहा हूँ मैं ये सब, और अब मुझे भी पता मुझे क्या करना है। वो ना मुझे जानता नहीं है। क्या हुआ क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना जाके अपना काम करो। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आइलिन? ये काफी बुरा टाइम है, यहाँ से चली जाओ। माय डियर डैरन, आई मिस यू सो मच। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सॉरी तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया। तुम यहाँ क्यों आई हो आइलिन? ओह गॉड, तुम लोगों को पता नहीं था क्या? फैमिली ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं। अच्छा तो मैं बता देती हूँ, मैं यहाँ पर फैब्रिक की रिप्रेजेंटेटिव बनकर आई हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कहा? क्या कहा? मैं क्लियर कर देती हूँ, फैब्रिक हमारे बिजनेस पार्टनर बने रहेंगे जैसा कि आप पहले से जानते हैं। आइलैंड साफ साफ बताओ ना। मिस्टर फैब्रिक अपने शेयर्स नहीं बेचने वाले हैं, पर उन्हें इस सेक्टर की ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं उनकी तरफ से यहाँ रहने वाली हूँ। हाँ ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स,
क्या ये ऐसा कर सकते हैं? ऐसा करना जायज है? मुझे नहीं पता सनी, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें उनकी कॉपी सिखा देती हूँ। हाँ, ये चाहो तो रख लो। आइलिन बस बहुत हो गया, दफा हो जाओ अभी। क्या भी? मैं कहीं नहीं जा रही मिस्टर एमरे, मैं यहाँ एंजो फैब्रिक की रिप्रेजेंटेटिव बनकर आई हूँ। आपको ये अच्छा लगे या ना लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब कुछ लीगल है। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ। मैंने तुम सबको बहुत मिस किया, और खास तौर से तुम्हें जीजी। जीजी, जीजी। फैब्रिक कहाँ है? आपकी अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं है। तो फिर आप उनसे नहीं मिल सकते सर। मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। सर ऐसा मत करिए। फैब्रिक! सर आप ऐसे नहीं जा सकते इस तरह से। फैब्रिक! सर मिस्टर फैब्रिक यहाँ पर नहीं है, आप यहाँ से जाइए। मिस्टर फैब्रिक यहाँ पर नहीं है सर, मैंने आपको बताया ना। सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी, प्लीज यहाँ से बाहर निकलिए। सर मेरी बात सुनिए। वो है ना फैब्रिक का केबिन। आप मुझे बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल रहे हैं सर। सर आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, आपने देखा ना वो यहाँ पर नहीं है। फैब्रिक! सर अब तो चले जाइए। फैब्रिक! सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मिस्टर जॉन क्या बात है? फैब्रिक कहाँ पर है? बताइए क्या कर सकती हूँ आपके लिए, बताइए ना मुझे। हाँ हाँ तुम कर सकती हो। ये बताओ कि तुम्हारा चालाक बॉस इस वक्त कहाँ पर है? शांत हो जाइए, मुझे बताइए। दरअसल फैब्रिक इटली गए हुए हैं तो। अच्छा ऐसा, यहाँ पर सारा मेस करके इटली भाग गया वो, हाँ गायब हो गया है ना। मैं एक बात बताता हूँ, उसे बता देना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। Sure, have a nice day. मीने? आओ ना। वो तगड़ा आदमी यहाँ से चला गया? ओ हाँ, वो तूफान की तरह इस ऑफिस में आया और सबको हिला के चला गया। अच्छा हुआ उस वक्त तुम अपने कैबिन में थे, वरना पता नहीं आज कितना बुरा हो जाता। अच्छा हुआ उसका दिमाग खराब हो गया। हाँ बिल्कुल। तुम मेरे साथ में आना बुशरा, सिक्योरिटी गार्ड्स को निकाल दो। ठीक है सर। तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकता हूँ, तुमने लिमिट क्रॉस कर दी है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इस कंपनी को यहाँ तक लाने के लिए मैंने भी बहुत मेहनत की है एमरे, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने इस कंपनी को बर्बाद करने के लिए बहुत से गलत काम किए हैं, धोखा दिया है तुमने। और इन सब कामों में तुम भी मेरे साथ थे एमरे, मैं अकेली नहीं थी। ओके आइलिन, मैंने उसकी कीमत चुकाई है, समझ गई? मुझे तुम पर जरा भी यकीन नहीं है। मैं इस कंपनी के साथ अब कुछ गलत नहीं करूंगा और ना ही करने दूंगा। सब लोग देख रहे हैं। तुम लोग हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम लोगों को एक्सेप्ट करना होगा कि मैं यहाँ पर हूँ इस कंपनी में, और मेरे पास बहुत सारे पावर्स हैं। अब जाओ अपना काम करो। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था तुम्हारा। मैंने कहा था ना कि अगर हम साथ रहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे मिस आइलिन? हम मिस्टर जॉन पर कैसे अधिकार जमाएंगे? एमरे के पास एक बहुत अच्छा प्लान है ना एमरे? तुम उसके शेयर्स उसे वापस देना ही मत। ठीक है, लेकिन क्या ये बहुत होगा? हमारे स्ट्रगल के लिए काफी होंगे। हाँ, तुम आइलिन को अपना रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से अपॉइंट कर दो। आइलिन कंपनी में एंटर करेगी तो बाकी चीजें बड़े आराम से और आसानी से हो जाएंगी। तो हमने साथ मिलकर सब कुछ सॉल्व कर लिया है, जैसे हम पहले भी करते थे। So don't worry at all. और अगर जान को पता चल गया तो क्या होगा? उसे नहीं पता चलेगा। वो कैसे? जब आइलिन कंपनी में तुम्हारी रिप्रेजेंटेटिव बनकर आएगी तो मेरे भाई को बहुत बुरा लगेगा, और फिर वो गलतियां करना शुरू कर देगा। Y'all don't worry at all. मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, और बाकी की बातें मैं और आइलिन संभाल लेंगे। तो फिर मैं लॉर को बुला लेता हूँ। हाँ जरूर।
आपसे बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं है सनम, वैसे भी हमारे पास और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। हम बाद में बात करते हैं, ओके? आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मैं जानती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ सनम? कौन से सपने देख रही हो तुम? आप इस एजेंसी का हिस्सा है, आप मिस्टर फाबरी और मिस आइलिन के साथ मिलकर मिस्टर जॉन के साथ एक गंदा खेल खेल रहे हैं। मैं जितना सोचती थी आप तो उससे भी घटिया निकले मिस्टर एमरी। लगता है तुम ये नहीं जानती है कि ये सब कुछ तुम्हारे और फाबरी के अग्रीमेंट की वजह से हुआ है। हाँ मानती हूँ कि ये मेरी गलती है, लेकिन आप तो उनके भाई है ना, वो आप पर भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आप इतने गिरे हुए इंसान हैं। ठीक है, चलो मान लेते कि मैंने गंदी ट्रिक की है या मैं उस चीज का हिस्सा बना हूं, मगर तुम्हें इतनी ही परवाह है तो एक डील करोगी? मैं आइलिन को कुछ भी करने नहीं दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें कंपनी छोड़नी पड़ेगी। क्यों, किस वजह से? अगर जान तुम्हारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है तो उसकी भलाई के लिए तुम्हें ये कंपनी छोड़नी पड़ेगी। मैं आइलिन को पक्का संभाल लूंगा और अपने शेयर्स वापस ले लूंगा, तो क्या कहती हो, अग्रीमेंट मंजूर है कि नहीं? La 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 la